ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السلام عليكم ورحمة الله. جی عثمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ जी आ रही है जेरी भाई, आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुना ठीक है, खैरियत से हैं? जी मैं बस अचानक ही लाइव देख रहा था, तो आपका लाइव चल रहा था शो, तो आप हवाला एक सामने आया हुआ था, तो शायद आप मौलवियों या शायद फिरका वारियत के हवाले से वो हवाले दिखा रहे थे. पहली बात तो ये है, मैं ये कहना चाहता था कि ये जो जितने भी मौलाना हैं इनका कोई दावा भी नहीं है. अगर यही हवाला जो आपने दिखाया है, सेम टू सेम हवाला आपको मिर्ज़ा साहब की सीरतुल मेहदी जो उनके बेटे ने लिखी है उनसे भी मिल जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी आपने बात कर ली है? जी जी कर लिया, बाकी जी कर मौक़िफ़ ली. मेरा अच्छा यही मुझे ये है. बताएं. जी, उस्मान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना तारफ बयान फरमा दें कि आप कौन है, किस मसलक से आपका ताल्लुक है. देखिए आप हर इंसान से यही पूछते हैं, मैं जी वह आप ये बरेलवी सवाल हूँ, हुआ. बरेलवी मतलब सुन्नी हूँ, बरेलवी जो सुन्नी होता है ना वो बरेलवी भी हो सकता है, वो सैफी भी हो सकता है, चिश्ती भी हो सकता है, आप क्या सुन्नी है, है हमारे आगे मसलक है. जी क्या मसला है आपका? बरेलवी है आप? मैं बरेलवी हूँ, वेरी गुड, सुन्नी भी बस हूँ, ठीक है. बरेलवी भी हूँ, अच्छी चिश्ती भी बात हूँ. है. आप मैं बताता हूँ, सुन्नी में जितने भी आते हैं ना तमाम तरीक जो जितने भी आते हैं मैं वो. एक किताब है, अल मिलल वन नहल, एक किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है कि अहले सुन्नत वल जमात के भी 73 फिरके हो चुके हैं, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के. तो आपका दावा ये है कि आप 73 के 73 फिरके हैं आपके? एक तो जरी भाई फिरके की तारीफ जो है ना वो आपने इधर अभी ये करते हैं, बात फिरका मैं होता सुनवाई क्या है है, कि सुने? मैं अर्ज करता हूँ आपको. तरीक है ये, तरीके तरी मसलक ये हो जो है ना, तरीक है मैं इनके यही अर्ज आगे. करता हूँ, मैं यही अर्ज करता हूँ जी उस्मान साहब कि अल मिलल वल नहल एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि अहले सुन्नत वल जमात की अपने 73 फिरके हो चुके हैं, उसकी 73 शाखें हो चुकी हैं. आपने ये फरमाया कि मैं सुन्नी हूँ, बरेलवी भी हूँ, कादरी भी हूँ, पतनी क्या से क्या भी, सारा कुछ भी हूँ, जी यानी कि जी आल इनवन. नीचे एक दोस्त ने भी लिखा कि आल इनवन, जी यानी जी आप सारा कुछ ही है. यानी कि मेन जो आपकी जो लीड कर रहा है आपको बंदा, वो लीड करने वाले आपके इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब, ऐसे ही है. आप नहीं, हम मैं बता रहा हूँ सारे सबको करते हैं, अहमद रज़ा उनको भी हम मानते हैं, उनको मैं भी बताता हूँ मानते ना, हैं, तमाम उनको इमामों भी. हर हर हाँ एक को मानते हैं. जी मैं हाँ अर्ज करता हूँ, सुन ले, मैं अर्ज कर देता हूँ आपको. ये जो बरेलवियत की शाख रखने वाले बंदा जो है, उनका नाम तो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब है ना, जिनकी वजह से आपने बरेलवी अपने आप को कहलवाया है. जी, वेरी गुड. दूसरा आपने कहा जी कादरी भी हैं, तो कादरी पीर अब्दुल कादरी जलानी रहमतुल्लाह की वजह से आप कहते हैं कि आप कादरी हैं. जी बिल्कुल. वेरी गुड, ठीक है. यानी आपके जो बानी है वो अहमद रजा खान बरेलवी साहब है, ये हो गया आपका तारफ. ठीक है जी जी, ये आपका तारफ हो गया. मैं अहमदी मुसलमान हूँ, ये मेरा तारफ हो गया. वेरी गुड, कितनी अच्छी जी बात है कि आपने फौरन तारफ करवा दिया, आपने उसके ऊपर कोई झोल झाल नहीं किया, कोई लंबी बातें नहीं की. वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको जजा दे. बात है जल्दी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी. अच्छा हाँ जी बात हाँ जी ये है मेरे मोहतरम, सवाल हमारा आज का मौजू ये था कि अहमदी मुसलमानों से नफरत क्यों की जाती है, ये आज का मौजू हमारा. तो इस मौजू के हवाले से क्या आज गुफ्तगू बयान फरमाएंगे, सबसे पहली बात. दूसरी बात ये कि हो जी सकता है. जी, चले हाँ बोलिए, जी हाँ जी हाँ जी, दूसरा सवाल कर ले, मैं जवाब दे देता हूँ. चले दूसरा सवाल बाद में कर लेंगे, पहले एक बात क्लियर हो जाए इसके ऊपर आप क्या तबसरा बयान फरमाएंगे. देखिए जब जी आप मिर्ज़ा साहब उस्मान साहब, मैं का उस्मान साहब, लिटरेचर पढ़, छोटी सी बात, मैं इंतहाई माजरा चाहता हूँ, मैं माजरा चाहता हूँ आपसे. एक बात यह है कि आपने कोई बदतमीजी, कोई बदजुबानी नहीं करनी. दूसरा इररिलेवेंट बात नहीं करनी, आपको पूरा मौका मैं दूंगा बात करने का. आपने कोई किसी किस्म की बदतमीजी, बदजुबानी नहीं करनी. अगर आप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा. ठीक है जी, जी बिल्कुल बदतमीजी वेरी ना पहले जबरदस्त, कभी की है ना अब कर रहा हूँ. वेरी गुड, बात यह, आपने जबरदस्त. एक सवाल पूछा है कि जी अहमदी लोगों से हम मुसलमान क्यों नफरत करते हैं. नहीं, ये देखे फिर आपने गलत बात की. हम मुसलमान से क्या मुराद? अभी आपने कहा आप बरेलवी हैं, तो आप फिर हम सारों की तर्जमानी ना करें. आप सिर्फ ये कहें कि हम बरेलवी क्यों नफरत करते हैं, क्योंकि बरेलवियों के अलावा बाकी को वो मुसलमान नहीं समझते. इसलिए मेरे मोहतरम ये गलत जुमला है. इसी जुमले में पहले मैंने वो यार हाफिज साहब को पकड़ा है, तो ऐसी बातें ना करें. आप जरी भाई बरेलवी, आप,
आपकी एक गलत फहमी दूर कर दूं, हम सब एक जी दूसरे को मुसलमान ही समझते हैं, एक ही शाख से हैं। देखें, अच्छा जिन उलमा ने, जिन मौलवियों ने कोई भी गलत अकायद अपनी किताबों में लिखे, जी उनको डिनाई करते हैं, और जो उन अकायद को आगे लेके चले, अब भी जो उलमा है उनकी भी राय यही देख ले, उन अकायद को अगर कोई मानता है तो वो वाकई ही वो गलत है। मैं खुद इस लाइव स्ट्रीम में कह रहा हूँ कि वो गलत गलत है, उनको कायद को लेके जो चले ठीक है, लेकिन जो ना लेके चले वो मुसलमान ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम मैं उस्मान साहब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, मैं अहमदी मुसलमान हूँ, ठीक है जी। मैं कहता नहीं बल्कि मैं हूं ही अहमदी मुसलमान। अगर मैं कोई बात अपने इमाम के कौल से हट के करूं, यानी मिर्द साहब ने कुछ और बात बयान की हो और मैं यहाँ पे कुछ और बात बयान कर रहा हूं, क्या आपके नजदीक मेरी उस बात की कोई वैल्यू या वक्त होगी? जारी बात है, कोई बुकत नहीं होगी अगर बहुत आप हट प्यारी, के बात करेंगे। जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात आपने बयान की है कि जब मैंने कह दिया है कि मेरा एक इमाम है, मैं एक इमाम की मानने वाला हूं, मेरी जमात के बानी है, उनका मैं पैरोकार हूं, मैंने जब एक चीज अपने लिए मुख्तस कर ली है, तख्सीस कर ली है, तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपने इमाम से एक कदम आगे रखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात यह है कि आपने खुद अपने तय ये बयान फरमाया है कि आप बरेलवी हैं, तो आपके इमाम जो है वो अहमद रजा खान बरेलवी साहब है, तो आपको ये हक पहुंचते नहीं है कि आप ये कहें कि मैं आला हजरत की बात को मानता नहीं, या अगर आप नहीं मानते तो आपको फिर डंके की चोट पे कहना पड़ेगा जी मेरा मसलक तो बरेलवी है, लेकिन जहां पे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने गलत बयानी की है या उनसे मामला उनको समझ नहीं आया, ये बात उन्होंने बयान की। एक बात आपने ऐसी फरमाया कि हम सारे सुने अर्ज सुन रहे उस्मान साहब, आपने फरमाया कि हम सारे एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं, अगर मुझे आप ये दिखा दें अपने आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेली साहब की किसी तहरीर से, आप ये दिखा दें कि वो देवबंदियों, वहाबियों, शियों और अहमदियों को, चले अहमदियों को निकाल दें, वहाबियों शियों को भी निकाल दें, वहाबियों और देवबंदियों को वो मुसलमान समझते हैं, अगर आप उस्मान साहब मुझे ये तहरीर साबित कर दें या तहरीर आप अल हजरत की किताब से दिखा दें, मैं आपको अल ऐलानिया तौर पर यह कहता हूं कि मैं आपको पाकिस्तानी सिक्का राइल वक्त 1 लाख रुपए इनाम देने को तैयार हूं। चले ठीक है, जी अब आपकी बात हो गई। अब तीन चार जो पॉइंट्स हैं ना, आपने इकट्ठे ही बयान फरमा दिए हैं, और जिनका जवाब अगर टाइम हो तो मैं दे सकता हूँ। जी जरूर जरूर देखें, जरूर आपने इमाम की बात की है, उन्होंने देखें, अगर आपने किसी शायद उलमा से इस पे डिबेट की हो कि अहमद रज़ा खान साहब ने क्या क्या बातें लिखी हैं, उनके क्या जवाब है, क्या उनका मकसद था, मुझे नहीं लगता कि आपने उलमा से कोई ऐसी डिस्कस की होगी। दूसरी बात, वो इंसान थे और उनका कोई नबूवत का दावा नहीं था, वो एक मौलवी थे, और मौलवी और या कोई भी इंसान है वो खता खा सकता है। मेरा अभी मेरा जो यकीन है ना, खता वो खता में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इंसान होने के नाते शायद कि कोई खता आपके नज़दीक जो है वो हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये, उनका कोई दावा नबूवत भी नहीं, कोई मुझे खुद का भी दावा कोई भी नहीं है। दूसरा, आपने अभी अटैक किया कि मैंने आपको जो है वो मुसलमान नहीं कहा, खुद को मैंने मुसलमान कहा, तो वो इसी ज़िम्मे में आ जाता है जी। हम जो है वो नफ़रत, देखिए नफ़रत इंसान से नहीं है, नफ़रत अकायद से और जुर्म से होती है। जैसे पाकिस्तान में चले जाएं, आप कहीं भी जेल में चले जाएं, लिखा होता है कि नफ़रत इंसान से नहीं है, जुर्म से है। तो आपको जो नफ़रत तो नहीं मैं कह सकता, ये कह सकते हैं कि इस्लाम से खारिज या मुसलमान ना समझना, तो या नफ़रत करना, नफ़रत करना भी एक ज़िम्मे में ऐसा आता है कि जैसे देखें कि जब आप लिटरेचर आप पढ़ें मिर्ज़ा साहब का, उसमें बे इंतहा जो सहाबा की गुस्ताखियाँ, अहले बैत की गुस्ताखियाँ इतनी इतनी हैं, और इस्लाम दुश्मनी इतनी पाई जाती है। तो आप अगर देखें, अगर वो हवाले मैं इधर से शेयर करूँ, आप दिखाएं और पूरा सियाको सबाक उसका आगे से पढ़ लें, पीछे से पढ़ लें, और फिर उसकी मुझे तशरीह बताएं मिसाल के तौर पे, और अवाम को भी दिखाएं, तो क्या वो तहरीरें पढ़ के कोई भी मुसलमान अपने जज्बात या अपने वो काबू कर सकता है? आप खुद को अहले बैत के बारे में इतनी, नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी गुस्ताखी की हो, तो क्या उनके बारे, फिर क्या मौक़िफ़ कोई भी मुसलमान या कोई भी अच्छा ज़मीर रखने वाला क्या उसके बारे में मौक़िफ़ देगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनका जिनके बारे में
बकायदा जो है वो मर गया, और इतनी जगह पे बकायदा मैंने स्पीच भी सुनी थी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब की, वो भी कहते थे उनको मरने दो मरने दो मरने दो, इसी में इस्लाम की जो है वो बुलंदी है जी। अच्छा, फिर उनके बारे में एक तो आपने, एक मैंने आपकी स्ट्रीम सुनी थी डॉक्टर साहब याह्या साहब की, उसमें वो कह रहे थे वो सारे इल्ज़ामी जवाब हैं, लेकिन आपको मैं तरतीब से इतनी तहरीरें दिखा सकता हूँ कि जो मिर्ज़ा साहब का अपना मौक़िफ़ था ईसा अलैहि सलाम उनके बारे में, जो गुस्ताखी और शान में गुस्ताखियाँ थी उनका अपना मौक़िफ़ मैं उसको साबित भी कर सकता हूँ। तो लिहाजा इस टाइम तो यह मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे हवाले, यकीनन आपके पास वो शायद हवाले हो, अगर मैं निकालूँ तो मैं आपको सफ़े भी बता सकता हूँ। अच्छा, तो इस ये चीज़ें जब होंगी तो कोई भी आम इंसान जो है वो अपने जज्बात पे, अपने जो है वो अंदर से जो उस मोहब्बत है वो उजागर हो, तो वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा कि कोई भी इंसान जो है वो, देखें परमेश्वर के बारे में, हिंदुओं के परमेश्वर के, तो वो उनका माबूद है, उनके बारे में अगर कोई गुस्साखी करे, कोई मुसलमान, एक अंग्रेज़ की हुकूमत थी, सारे इकट्ठे रहते थे उस सब कॉन्टिनेंट में, तो सारे इकट्ठे रहते हैं, उनके माबूद के बारे में अगर कोई इतनी बड़ी गुस्साखी करे, इतनी बड़ी, यहाँ तक कि एक हवाला है उसमें यह है कि जो नियोग की रस्म थी उसमें हिंदुओं, मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हिंदुओं की रस्म है कि जो परमेश्वर है वो रूह औरत के अंदर रहम में दाखिल हो जाता है और हमल कर देता है, बच्चा पैदा हो जाता है। वो कहते हैं जी, मिर्ज़ा साहब कहते हैं फिर नियोग की रस्म क्यों जारी की है हिंदुओं, तुम जो है वो परमेश्वर को ही अंदर ले लिया करो। अब जब ये चीज़ें आनी है तो क्या उस वक़्त जो हिंदू हैं वो चुप बैठेंगे? क्या वो नफ़रत का इजहार नहीं करेंगे, इस्लाम पे अटैक नहीं करेंगे? तो इसलिए ये इतनी सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये असेंबली में भी काम चला, फिर अब तक जो चलता आ रहा है कि जो लिटरेचर और सोशल मीडिया की वजह से जो भी हवाले सामने आते हैं उनको देख के कोई भी अपने जज्बात को काबू नहीं रख सकता। ये मेरा मौक़िफ़ है, इसलिए जो मुसलमान या कोई आम जो उलमा है वो तो समझाने की, और जो आम मुसलमान है वो फिर नफ़रत खाता है इन चीज़ों से, ये मेरा मौक़िफ़ है जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा उस्मान साहब, देखें आपने मुकम्मल बात की है, मैंने आपकी बात में बोल ही नहीं हूँ, खामोशी से मैंने आपकी बात सुनी है। सबसे पहली बात आपने ये किया है जी, मैंने अपने मुसलमानों की बात किया तो वो हमारे लिए कोई मोतबर नहीं है, वो तो एक मतलब मौलवी है, तो मुजद्दिद उनका दावा नहीं, उनका कोई भी दावा नहीं है। हालांकि ये गलत बयान नहीं है, उनका सबसे पहला दावा ये है कि उनको जो इलम मिला है वो इलम लदुन्नी है, खुदा ने उनको इलम दिया है, खुदा ने उनको सिखाया है इलम। उनकी जो किताब है फतावा रिजविया, उसकी किताब के टाइटल पेज पे क्या लिखा हुआ है, फतावा रिजविया फी अताउ नबविया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता किया है। इससे क्या मुराद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया है और वो कहते हैं ये इल्म दुनिया, खुदा ने उनको इल्म सिखाया है, तो उनका दावा क्या हुआ, मामूर मिन अल्लाह होने का दावा हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, ये कि खुदा ने स्क्रीन उनको इल्म शेयर सिखाया। करिएगा प्लीज, साथ में स्क्रीन भी। मैं इसकी स्क्रीन भी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा ये देखिए आपके सामने मौजूद है, अताउ नबविया फी फतावा रिजविया, ये क्या है, अता नबी, नबी ने अता किया है, नबी क्या चीज अता करता है, किस नबी ने अता किया, ये दावा नहीं है तो और क्या है, इसे दावा नहीं कहते आप। आपके नजदीक आला हजरत का दावा, आप उनको इमाम आजम मानते हैं, आप उनको मुजद्दिदी आजम मानते हैं और आप कह रहे हैं आपके नजदीक दावा नहीं है। और दूसरी बात यह है, आपने कहा इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आला हजरत से गलती हुई है, एक जगह पे कि इंसान से गलती होती है, दूसरी जगह पर यह कि इंसान से गलती नहीं होती, अंबिया से भी खता हो जाती है, ये आपका अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है कि अंबिया से भी बसा औकात खता हो जाती है और हुई है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई है, ये बरेलवियों का मुत्तफिका पक्का पीटा अकीदा है। अगर कोई बंदा कहेगा मैं कमजोर ईमान से साबित करूंगा। दूसरी बात ये अकीदे की बात आ गई, दावे की बात आ गई कि आपके इमाम का दावा है, उनको मुजद्दिद मानते हैं, मुजद्दिद आजम मानते हैं और उनको इमाम आजम मानते हैं, पत्नी कितना से कितना बड़ा मुजद्दिद मानते हैं उनको, और उनका इनकार करने वाले को वो बरेलवियों से खारिज मानते हैं, और जो बंदा बरेलवी नहीं है उस बंदे को ये कहते हैं कि वो बंदा मुसलमान भी नहीं है। मैं आपसे ये बात लड़के के जोड़ पे कहता हूँ कि मुझे फतावरत की किताब खोल के दिखाएं, जिल्दे खोलें, उसमें दिखाएं कि फतावरत में आला हजरत ने बरेलवियों के अलावा किसको मुसलमान लिखा है, मुझे वो बंदा दिखा दें, मुझे वो गिरोह दिखा दें। आप वो नहीं दिखा सकते मुझे कोई भी गिरोह जिसमें आला हजरत ने बरेलवियों के अलावा उनको मुसलमान समझा, कोई एक तहरीर भी आप मुझे नहीं पेश कर सकते। फिर आपने ये कहा है जी आला हजरत जो है इमाम वो अहमद जो है अहमद के जो अकायद नजरियात है वो इतने बुरे हैं, वो गुस्ताख रसूल हैं, सहाबा के गुस्ताख हैं, अंबिया के गुस्ताख हैं, और उस तरह की जो भी आपके मन में बातें हैं, जो भी आपके दिन में बातें हैं वो आप करते रहे हैं। हालांकि ये बातें बिल्कुल मन गलत हैं, अगर ये सिर्फ इल्जाम की, अगर आपने ये बातें करनी है मुंह की जुबानी करनी है
तो इस तरह की बातें तो बरेलवियों के मुतलक भी की जाती हैं कि बरेलवी गुस्ताख रसूल है, वो पक्के पीटे गुस्ताख रसूल है, वो अल्लाह की शान में गुस्सा करते हैं, वो खुदा नबी सल्लम की शान में गुस्सा करते हैं, वो जनाब सहाबा कराम की शान में गुस्सा करते हैं, वो अल्लाह की शान में गुस्सा करते हैं, यहां तक के इस तरह की बातें मौजूद हैं। तो आप ये बातें फिर अपने मुतल क्यों नहीं करते? वो हालांकि आपके नजदीक में तो है, आपके ऊपर भी फतवे नहीं लगे हुए, आपके ऊपर भी तो फतवे हैं कि ये गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख अल्लाह है, और ये इनके ऊपर कुफर के फतवे भी हैं, खत्म नबूवत के मुनकर होने के फतवे भी हैं। अब आपने कहा जो गुस्साखी का आंसर, मैं आपको बताता हूँ कि गुस्साखी किस चीज को कहते हैं, गुस्साखी का नाम क्या है, गुस्साखी किस बला का नाम है। मैं आपके सामने एक तहरीर रखता हूँ और वो तहरीर आपने पढ़नी है उस्मान साहब, मैं आपको स्क्रीन जूम कर दूंगा, जहां पर आपने कहा मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं मजीद आपको जूम कर दूंगा। आपने वो तहरीर पढ़नी है और तहरीर पढ़ के मुझे आपने उसका मफहूम बताना। आपने दो तीन तहरीरें पढ़ी है अमृतसर की किताब सी, और वो भी आपने बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट पढ़ी है। नियोक के बारे में जो आपने पढ़ी है वो बिल्कुल कुछ और तहरीर थी, आपने उसको डगमगा के कुछ और ही पढ़ दिया। चले, मैंने आपको फिर भी मौका दिया, मैंने आपको माइक म्यूट नहीं किया। मैं भी इसका जवाब मैं लेटर ऑन दूंगा, अभी आप अपनी इसकी बात जी आप इसका जवाब दे दीजिएगा। ये मैंने मैं भी हवाले शेयर करना चाहता हूँ बाद में जी। ये आपके सामने मौजूद है किताब, किताब का नाम है जी फतावा रिजविया, ये जेल नंबर 5 था हम, यानी 15वीं जेल था। इसका सफा नंबर क्या है जी? सफा नंबर आपको दिखाता हूँ नीचे से, 546 सफा नंबर है। ये आपको जूम हुआ है, जरा पढ़ के बताएं क्या वहाबियों के झूठे खुदा, खुदा का भी झूठा कह दिया। क्या खुदा दो है? क्या खुदा तीन है? क्या वहाबियों का खुदा कोई और है? वहाबी किसी और खुदा को पूछते हैं? ये तहरीर है, जरा ये पढ़ के बताएं ये क्या लिखा है। अगर जूम नहीं है तो बताएं, मैं मजीद जूम कर देता हूँ। चलो मैं आपके कहे बगैर नहीं, नहीं आप पढ़ ले, जूम नजर तो आ रहा है। नहीं आपने पढ़ना है, आप पढ़े क्या लिखा है। अगर उर्दू नहीं वीक कमजोर है तो मुझे बताएं, मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, उर्दू में पढ़ लेता हूँ। बात ये है, ये वहाबी ऐसे ऐसे को खुदा कहता है जिसे मकान, जमान, जहियत, माहियत, तरकीब, अकली से पाक कहना, बिद्दत हकीकिया के कबील से और सरही कुफरों के साथ गिनने के काबिल है। देखें, इसके इसको पढ़ने से पहले एक जवाब दे देता हूँ। इसके बारे में ना देवबंदी और अहले हदीस उलमा का भी मौक़िफ़ एक तहरीर है, वो मुझे याद नहीं है कि मैं आपको बाद में दिखा सकता हूँ, लेकिन वो अभी मुझे एग्जैक्ट वो सफ़ा और किताब का नाम नहीं याद। उन्होंने वो शाया भी की और बताया कि अगर हमारे जो अकायद थे उनके बारे में जो जो अकायद अहमद रज़ा साहब ने समझे और उनके बारे में फतवा दिया और अब अरब उलमा से भी फतवा लिया, तो अगर वो फतवा ना देते, वो ये चीज़ें सुनते हमारे से और ये फतवा ना देते, वो खुद काफर होते। ठीक है, तो उन्होंने मैं आपको ये उन्होंने ये अपनी इस्लाम अक्ल के समझ मुताबिक समझा, फतवा दिया, वो उन्होंने सही वो खुद मानते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने फतवा तो जो फिर भी गलत बात किसने की है? गलत बात फिर किसने? वही तो मसला ये है ना कि बताता ये हूँ ना, फिर देवबंदियों और उन्होंने वहाबियों की, सुने उस्मान साहब सुने, बात रजू भी साहब दिया उन्होंने। मैं अर्ज करता हूँ सुन ले, वहाबियों और देवबंदियों के वो अकीदे थे ही नहीं जो थोपे आला हजरत ने, रोली ये है जब थोपे उन्होंने ये उनके जिम्मे लगाए हैं और उन्होंने तरदीद भी किया। क्या उन्होंने तरदीद कर दिया? तरदीद करने के बाद क्या आपका ये ईमान है कि ये तहरीर जो है ये काबिले, ये इसकी तरदीद हो चुकी है, ये आज ये वाजिब हाँ तौर जी, नहीं है ये तहरीर, ये मनसूख हो चुकी है? एक बात। दूसरी बात ये है कि एक तहरीर आप ये पढ़े, उसके बाद मैं आपको मौजूदा दौर के एक मौलवी है, एक मुनादर है देवबंदियों के और उनके मुस्तनद मुनादर है, उनका मैं आपको बयान सुनाता हूँ इसी तहरीर के ऊपर। वो बयान क्या होगा मैं आपको वो बाद में सुनाऊंगा, पहले आप तहरीर ये पढ़ रहे थे, इसका जरा पढ़े आप। जी मैं कहा मैंने पढ़ के समझ भी लिया है क्या इसमें कहना चाह रहे हैं आप, जो भी उनका नहीं, खुदा लिखे के ना, बारे में। लिखे खुदा के बारे में ये बात लिखी है, जरा पढ़ के बताएं ना क्या लिखी है। आपने पढ़ी नहीं, आपने पढ़ी ना, आवाम को पढ़ के सुनाएं। अच्छा जी, सरे कुफरों के साथ गिनने के काबिल है, जिसका सच्चा होना कुछ ज़रूर नहीं, झूठा भी हो सकता है। ठीक है जी, ये किसके बारे ऐसे में के बात हो रही जिसकी है, ये बताएं किसके बारे में बात हो रही है? वहाबियों के खुदा के बारे में वहाबियों के खुदा, ये जुमला आपने बोला वहाबियों के खुदा, यानी आपकी अपनी मतलब उनका ये है ना, मतलब ये है कि वो जिस तरह खुदा के बारे में सोचते हैं, जैसे अब मिर्ज़ा साहब का एक हवाला है कि जी खुदा वादा करके मुकर जाता है। मैं अर्ज करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, ये सही मुस्लिम की रिवायत उन्होंने वहां पे बयान भी की थी और ये मुकरने की बात है ही नहीं वहां पे। मैं आपको वो भी हवाला आपको दिखाऊंगा, टेंशन ना लें आपको, इंशाल्लाह मैं जी तसल्ली जी तसल्ली मैं हो टेंशन जाएगा। नहीं, मैं भी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं अर्ज करता जो हूँ सुन ले, ये आप हवाला आपके जी। सामने मौजूद है, ये इस किताब में पढ़े, सरीह कुफरों के साथ गिनने के काबिल है, जिसका सच्चा होना कुछ जरूर नहीं झूठा भी हो सकता है। किसके मतलब बात हो रही है? वहाबियों के, जी जी बिल्कुल, जो वो खुदा के बारे में कायद रखते हैं, किसके मतलब जो खुदा के बारे में कीदा वो रखते हैं। वो रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मानना है ना कि वो ये रखते हैं, तो फिर ये आला ठीक लिखा है।
कभी कहते हैं वो मंसूख कहते हैं, कभी कहते हैं मुझे रखते हैं। अभी आपने पहले ये बात कही है और खुद तोजी ही बयान दिया है कि देवबंदियों और वाबियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई जो तहरीक हमारी तरह मंसूख की है, अगर हम इस पर अगर हम उस पर फतवा लेते और वो नहीं तो खुद काफर होते। और अभी आप ये कह रहे हैं कि जो वो खुदा को मानते हैं, एक तरफ आप तरदीदी बयान दे रहे हैं, दूसरी देखिए तरफ ना, आप तोजी बयान दे रहे हैं। फिर उन्होंने अपना मौकफ बयान किया ना उलमा ने देवबंदियों के जब जी उन्होंने देखें अपना मौकफ सुने, जब उन्होंने अपना मौकफ बयान किया, उसके बाद फिर ये आल हजरत ने ये तहरीर जो फतावा रिजविया जल्द 15 में लिखी हुई है, ये फिर तहरीर मनसूख हो चुकी है ना। नहीं नहीं देखे उन्होंने जो 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 थे जिन्होंने अरे रजू कर इसके लिया, पहले ठीक सुने है, सुने सुने अरे जिन्होंने सुने रजू कर लिया, इस ठीक बात को है, एक मिनट सुने माजरत, आप ये तहरीर पूरी पढ़े उसके बाद फिर इसके ऊपर तबसरा करते। चलें, जिसका सच्चा होना कुछ जरूर नहीं, झूठा भी हो सकता है, ऐसे के जिसकी बात पर एतबार नहीं, ना उसकी किताब काबिले इस्तनाद, ना उसका दीन लायक एतमाद, ऐसे को जिसमें हर ऐब नुक्स की गुंजाइश है, जो अपनी मशीयत बनी रखने को कसदन ऐबी बनने बचता है, चाहे तो हर गंदगी में आलूदा हो जाए, ऐसे को जिसका इल्म हासिल किए हासिल होता है, उसका इल्म उसके इख्तियार में है, चाहे तो जाहिल रहे, ऐसे को जिसका बहकना भूलना सूना सोना ऊँगना गाफल रहना जालम होना हत्ता के मर जाना सब कुछ मुमकिन है, खाना पीना पेशाब करना पखाना फिरना नाचना थिरकना नट नट की तरह कला खेलना औरतों से जमा करना लवाते जैसी खबीसत बेहाई बेहयाई का मुर्तकब होना अरे हत्ता के मुखन्नस की तरह खुद भाई मकबूल बनना, कोई खबासत कोई फसीहत उसकी शान, ठीक है जी, अच्छा जी, आगे भी आगे चलते जाए, आगे चलते जाए, आप उस पे तबसरा कर लेना जी। ये आगे पूरी पढ़ा ना, तारीख पूरी पढ़ लें। अच्छा जी, के खिलाफ नहीं, वो खाने का मुंह और भरने का पेट और मर्दी वजनी की दोनों लामते बिलफेल रखता है, समझ नहीं जोजफ दार कह गल है जी, समाद नहीं, अल्लाह उस समाद के समाद कुरान नहीं जो जोफ दार कह गल है, सबू कदूस नहीं खंसा मुश्किल है, या कम अज कम अपने आप को ऐसा बना सकता चलो है, ठीक है, इतना और काफी है, इतना काफी है, आगे भी काफी हाँ चीज जी, मौजूद है कि बचता हवाला है ऊपर कहीं ले जो जाए, मुझे झूठा ना समझ लें, बंदों से पूरा छुपा करे, पेट भर कर झूठ बक सकता है, झूठे बक सकता है, ये खुदा के मतलब गुफ्तगू हो रही है। अभी आपने आर्यों और वेद के मतलब जो गुफ्तगू की उसके ऊपर आपको तसल्ली जवाब देंगे, यहाँ पे देखें वहाबियों के खुदा के मतलब ये बात की जा रही है कि वहाबियों का जो जी खुदा है वो मादल्ला जमा करता है, लवातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होना, हत्ता के मुखन्नस यानी खुसरा बनना, खुद मफूर बनना, कोई खबासत कोई फजीहत उसकी शान में नहीं है, उसके खिलाफ नहीं है, ये खुदा के मतलब गुफ्तगू की जा रही है, ये खुदा को गलीज तरीन गंदी तरीन गाली नहीं है, तो मुझे बताएं और क्या है। और मुझे अब ये बताएं कि आपने चूंकि ये हवाला पढ़ लिया है शुरू उन्होंने में, कोई गाली नहीं दी, अच्छा ये गाली नहीं है, यानी खुदा के मतलब ये कहना देखे ना, कि वो वो उनके अकायद के मादला बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसा अकायद रखते हैं कि खुदा झूठ भी बोल सकता है, जरा, एक पेशाब तरफ आप ये बयान फरमाते हैं कि उन्होंने इसकी तरदीद कर दी, दूसरी तरफ ये बयान फरमा रहे हैं कि वो ये अकीदा रखते हैं, अब दोनों में तजाद है, इस तजाद का मैं हल आपने क्या? उसका ही जवाब हाँ ये जरी छोटी सी बात भाई आपको उसका ही बताता जवाब देने छोटी लगा सी बात था, आपको बताता हूँ, छोटी सी बात, जब उसका ही जवाब चले देने लगा था, बोले आप बोल लेना मैं फिर जवाब देता हूँ, तहरीर सामने रखे जो ऊपर वाली तहरीर थी, वो जो तारीख अभी मैंने आपको शो करवाई है, हाँ जी वो भी तहरीर सामने रखे, देखे, जी मैं समझ हाँ जी वो भी गया, तहरीर सामने रखे, अच्छा ये ले तरतीब से, हाँ जी देखे ना फिर तरतीब से चलते हैं, ये था ये वो चीज़ थी जो अहमद रज़ा साहब ने उनके अकायद देखे खुदा के बारे में कि वो ये चीज़ें कर सकता है, उनका खुदा के बारे में अकीदा ये है कि वो ये चीज़ें कर सकता है, ऐसे ही है जी, इसको आपके नजदीक वहाबियों का खुदा ऐसे ही है? देखें आप उस जुमले को, यानी कि खुदा तो दोनों का एक ही है, लेकिन ये अकीदा लिखा हुआ है खुदा के बारे में मैं तो कि अकीदा उनका बयान नहीं खुदा करता, के मैं बारे बस में मैं अकीदा कह रही ये हूं है, कि मैं सुनो देखें सुनो मिर्जा साहब मैं का भी अर्ज कर रही खुदा हूं कि वही, आपका भी आपके खुदा वही है, नजदीक देखें मैं अर्ज करता हूं, मैं अर्ज करता हूं, यानी आपके नजदीक जो वहाबियों का खुदा है उनका खुदा के मतलब यही अकीदा है जो यहाँ पे लिखा गया है? बिल्कुल, अगर लिखा है ना तो मुतलक मुतलक उनका अकीदा खुदा के मुतलक यही अकीदा यानी रखा तो अकीदा और उन्होंने तहरीर, लिखा, फिर आप जो ये बयान फरमा रहे थे कि उन्होंने तरदीदी बयान दिया है, फिर वो कहां से आपने बात कर दी थी?
हाँ जी, उसका हवाला मैंने कहा आपको कि वो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, उसके बारे में नहीं उन्होंने हवाला तो बकायदा छोड़ शाया दे, चलो किया। ठीक है तभी समझ ले कि आपने वो हवाला भी दिखा दिया, मैं मान लेता हूँ आपने हाँ जी, अभी हवाला उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया, अवाम ने पढ़ लिया, आपने पढ़ के सुना दिया, मुझे जुबानी याद हो गया, मैं मिसाल दे रहा हूँ ठीक है उस्मान साहब। अब एक ठीक जगह है पे आला हजरत ये बयान कर रहे हैं कि वहाबियों का खुदा ये खुदा है, ठीक है जी, उनकी तरफ ये बात मंसूब कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये बयान जी, फरमा रहे हैं कि वहाबियों ने तरदीदी बयान दिया है कि हमारा तो ये खुदा ही नहीं है, तो फिर ये झूठ कौन बोल रहा है वही बताने लगा हूँ ये बताएं। कि उन हाँ जी, वो उस जो मैं हवाला देना चाह रहा था उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि अहमद रजा साहब ने ये जो अकीदा हमारे बारे में लिखा कि हम ऐसे ऐसे समझते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन उसके बारे में दोबारा फिर वो शाया हुआ कि नहीं जी, ये ऐसा ही अकीदा है। तो फिर रजू हुए, वो कितने उलमा थे, उन्होंने उस पर रजू भी शाया भी हुआ है, वो रजू भी किया है। और जिन्होंने रजू रजू नहीं किया किया, जिन्होंने रजू नहीं किया, मैं अललान कहता हूँ जी, जिन्होंने रजू नहीं किया उनके बारे में भी लिखा हुआ है। हम उनको अगर वो ऐसे अकायद, गुस्ताखाना अकायद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी और खुदा के बारे में भी जो ऐसे अकायद रखे तो वो कफर है, इसमें कोई बात ही रह ही नहीं जाती। और उलमा की बात देखें, दूसरा दूसरा ये बात, ये उलमा का आपस में मामला, ठीक है, आपकी बात हो रही अच्छा है, ये उलमा का आपस में हो गया मामला आपस में, ठीक है, अहमद रजा साहब ने जो समझा वो कह दिया। जरी भाई एक मिनट, जरी भाई अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि ये उलमा का मैंने आपको बता दिया, उन्होंने जरी भाई मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज। एक मिनट अनिस भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ, सिर्फ एक मिनट रुक जाइएगा, मैं इनको एक जरा अल्फाज सुनाता हूँ, उनको मैं एक बयान सुनाता हूँ, मैं साथ साथ वीडियो भी देख रहा हूँ, मैंने वो पहले निकाली हुई थी, मैं यहाँ से निकाल के देखता हूँ जरी अभी भाई मुझे। मेरी ये स्क्रीन तब तक आप शेयर कर दें, मैं सिर्फ इनसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। आप प्लीज तब तक चलिए आप मैं वो देख लें, जी मेरी मैंने ये कर दी स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर। करें। जाकला उस्मान भाई, सबसे पहली बात है कि मुतकल्लम अपनी बात की खुद वजाहत करता है, इस असूल से आप भी मुत्तफिक होंगे और हमारा भी यही असूल है कि जो बंदा बात बयान कर रहा हो ना, वो अपनी बात की खुद वजाहत करता है। अगर आप इस असूल से मुत्तफिक हैं तो मुझे बता दें। जी उस्मान जी मेरा साहब माइक म्यूट किया है जरी भाई जी, ने, आप इस असूल से आप अपना मुत्तफिक हैं? मौकफ आप बयान करें जो करना है, जी अब जी उसके बाद जजाकअल्लाह फिर मैं आपका, अपनी बात करता हूँ। जी जजाकअल्लाह। अब अभी आप दूसरी एक क्या बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ जरी भाई, जो जो बातें की है ना, अब मेरे से जो आपने हवाले भी लेने हैं, आपने वो भी शो करने हैं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और ऑब्वियसली जो जो कायद ऑब्वियसली आप इधर दिखाएंगे उधर भी आपने जो जो हवाले मैं बताऊंगा आपके पास मौजूद होगी PDF में या सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी में, तो उसको भी बिल्कुल आपने बिल्कुल, शो करना है इसके लाजमी साथ जी। हम देखें, चीज ये है कि हमारी कोशिश यही होती है कि हमेशा हर एक मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाए। अभी ये चीज है, मैं आपकी खिदमत में दोस्तों रख रहा हूँ, उस्मान भाई आपके लिए भी है, माइट भी, अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हाल आपके, अगर इलम में नहीं है, या हमारे सामईन कम अज कम इस बात को देख के और आपकी बात को सुन के जो आपने बात बयान की कि ये उलमा की आपसी लड़ाइयां हैं। अब सुने अहमद रजा, हाँ बरेलवी साहेब, वही जिल्द ششم जिसका हवाला पहले जरी भाई ने भी दिया था, उसी का छठा हिस्सा है, उसमें ये बात बयान फरमाते हैं कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरह मतीन इस मसले में कि जैद आलम फिरका वहाबिया के शगिर्द के पीछे रोजाना नमाज पढ़ता है और आलम मजकूर के कहने को मानता है, ख्वा वो कहना उसका किसी तौर पर बजाहिर नेक काम के वास्ते हो। और फिर आगे इस बात का दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल में जो अगला हाईलाइटेड हिस्सा है, अमरे आलम फिरका वहाबिया के शागिर्द के पीछे नमाज पढ़ता है और अपने आप को सुन्नी कहता है, और एतराज होने पर ये जवाब देता है, ये काबिले गौर जुमला है उस्मान भाई, ये जवाब देता है कि उलमा के झगड़े हैं और ये उनको बुरा कहें वो उनको बुरा कहें, हमारी नमाज सबके पीछे हो जाएगी, उलमा की बातें हैं, उलमा जाने। ऐसी सूरत में अमरे सुन्नी कहा जा सकता है या नहीं, और ऐसा जवाब देना उसका ठीक है या नहीं, सवाल नंबर 3। बकर अपने आप को सुन्नी कहता है और फिरका वहाबिया और गैर मुकल्लदों के मामले में
कहता है कि ये सब कुरानो हदीस के मानने वाले हैं, झगड़े की बातें नहीं निकालना चाहिए, सब हक पर हैं, ऐसी कैफियत में बकर सुन्नी कहा जा सकता है या नहीं? आगे जवाब सुने। अगर वहाबी का शागिर्द वहाबी हो और ये उसे वहाबी जानता है, फिर उसे काबिले अमामत बना मानता है। खुलासा ये कि किसी वहाबी को वहाबी जानकर काफिर नहीं जानता, तो वो सुन्नी क्या मुसलमान भी नहीं हो सकता। और ऐसी सूरत में उमरो वह सुन्नी क्या मुसलमान भी नहीं? इसके नजदीक इस्लाम व कुफर यकसा है और कुफर का रद्द झगड़ा है। और ऐसी सूरत में बक्कर काफिर व मुर्तद है। अब वो तो फतवा जो दे रहे हैं वो तो बड़ा वाजे करके ये कह रहे हैं कि ऐसे मामले में, ये जो कहता है ना जो बंदा कि ये उलमा के झगड़े हैं, उलमा जाने इसके बारे में, और हमें इनसे क्या लेना है, हमें इससे क्या देना, हमें इसके बारे में क्या बात करनी। वो कहते हैं अगर कोई ऐसा शख्स करता है, हक को हक नहीं कहता और बातिल को बातिल नहीं कहता, और उनके कुफर में शक करता है, तो वो सुन्नी क्या मुसलमान भी नहीं रहता। अब वो सुन्नी की कैटेगरी से निकाल के जो अगली कैटेगरी से भी उनको फारिग कर रहे हैं। अब चीज ये है कि देखें, सबसे पहले बात है कि यहाँ तो अगर आपके पास इलम की कमी है तो यहाँ अपना इलम को पुख्ता करें, या कम से कम वो बात ना कहें जो आपके घर के अकायद में नहीं। तो आला हजरत साहब ने तो बकायदा तौर पे खुला खुला जी, फतवा। आपकी बात होगी कंप्लीट जी। हाँ जी जरीफ भाई, आप कुछ कहना है? जी, दूसरा ये है कि जी किसी को उस्मान साहब, इलम कम इलम। एक जी मैं अर्ज करता हूँ, जी जी जरीफ भाई, आपने आप जी बहुत शुक्रिया जी उस्मान साहब, आपने ये बयान फरमाया है कि उन्होंने तरदीदी बयान दे दिया है, ठीक है जी, ये आप अर्ज कर रहे हैं। अब ये जो आपके इमाम ने बात की है, इसके ऊपर देवबंदी मौकफ क्या है, ये मौलवी अबू अयूब कादरी साहब है, ये मुनादरे देवबंद है, इसको मुनादरे इस्लाम भी कहा जाता है, ये अलियास गुम्मन साहब के शागिर्द हैं और शागिर्द खास हैं, ये इस हवाले के ऊपर क्या तबसरा बयान करते हैं, जरा आप ये इन्हीं की जुबानी सुनिए, आपको शरह सदर होगा कि वो क्या बात बयान करते हैं आपके इमाम के मुतल्लिक। और साथ है जो ये कहा है ना कि हम सारे मुसलमान हैं, तो इस मुसलमानियत के बारे में क्या बात है, जरा सुनिए। इशारा करने लगा, ये हमें जेब नहीं देता कि मैं वो इबारत तैयार करूं जो मौलवी अहमद रजा खान ने खुदा के मुतालिक तैयार की है। हमें ये गहरा जेब नहीं देता और वही हमें ये बात काबिले इब्तिदा या लायक इब्तिदा और या इसकी इजाजत हमें मालूम नहीं, हम इसकी गुंजाइश नहीं समझते। मौलवी अहमद रजा खान ने हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक फुका है, एक मुतकल्लमीन का उसूल लिखा, मकदूरुल अब्द मकदूरुल्लाह है, जिस पर बंदा कादिर है खुदा भी उस पे कादिर है। बास चीजें इजमाल के अंदर ठीक होती है, तफसील के अंदर ठीक नहीं होती। अल्लाह खालिक कुल शै, ये ठीक है या नहीं, कुरान है या नहीं, लेकिन इसकी आप तफसील करते चले जाए कि कुत्ता बिल्ला खिंजीर बंदर रीछ, ये चीजें तफसील में बयान कर रही ठीक है, लेकिन जुमला ठीक है, अल्लाह खालिक कुल्ले शै मकदूरुल अब्द मकदूरुल्लाह है, बात ठीक है, बंदा जिस पे कादर है खुदा भी कादर है, बात समझ आ रही है। इसकी तफसील हमने नहीं की, मौलवी अहमद रजा खान तफसील में पड़ गया। अच्छा कहता है फिर तो तुम्हारा खुदा जीरा भी करा सके, तुम्हारा खुदा फाइल भी बन सके, मफूर भी बन सके, मुखन्नस भी बन सके, वो नट भी बन सकता है, वो तो फिर आपको मार भी सकता है, अपने आप को कत्ल भी कर सकता है, खुदकुशी भी कर सकता है, बंदूक भी मार सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो तो जनाब जी जिना भी करा सकता है, वरना देवबंद के चकले वाली हंसेंगी, और निखट्टू तो हमारे बराबर भी नहीं हो सका, कत्ल
काहे पे खुदा एक कदम मारता है। बात समझ आ रही है? इसकी आपने तफसील पढ़नी है, फतावा रिजविया जिल्द 15 सफा 545 को पढ़े। अल्लाह झूठ से पाक इसकी एक किताब है, उसके सफा 162, 163, 164, 165 इन चार सफात को आप पढ़ लें और आपका दिमाग चकरा जाएगा कि यार इतनी बड़ी गाली तो किसी पंडित और हिंदू ने भी नहीं खुदा को दी, इतनी मौली अहमद रजा खान ने दी है। जी आपने ये अभी समाप्त फरमाया, अब इसमें वो बाकायदा तौर पे साफ सराहत के साथ ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा अल्लाह ताला को गाली निकाली है, खुदा के बदले किस तरह के कलाम करना, इस तरह की बात करना, ये तो गाली है। और आप इसके ऊपर जी वजाती बयान दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनका खुदा तो ऐसे ही है, उनका खुदा तो यही है। एक तरफ आप तरदीदी बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप तो यही बयान दे रहे हैं, उसकी तफसील बयान कर रहे हैं। तो मेरे मोहतरम ऐसे तो ना करें, ये तो बड़ी अजीब सी बातें हैं। दूसरा, मैंने आपसे एक सवाल किया था, आपने कहा था जी हम मुसलमानों की ये बात है, मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, मुझे ये बताएं कि आप इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब की किताब से मुझे अगर आप ये साबित कर दें कि वो बरेलवियों के अलावा किसी और को मुसलमान मानते हैं, यानी देवबंदियों को, वहाबियों को या किसी और फिरका को, अगर आप ऐसा साबित कर दें तो यकीन करें मैं आपको इनाम देने का रवादार हूँ, मैं आपको इनाम दूंगा आप मुझे अपने इमाम की किताब से ये पेश कर दें। क्योंकि आपकी ये दावा है ना कि हम मुसलमान हैं सारे आपस में, मुसलमान तो दरकिनार की बात, वो तो काफिर और मुर्ताद कहते हैं, उनकी किताबों के बारे में कहते हैं ये तो इनकी किताबें गाय की पोथी हैं, गाय के गोबर। भाई आपकी बात हो गई है, आपकी बात हो गई। हाँ मैं बात तो बात कर रहा हूँ, अभी मेरी बात अभी जारी है, मैं एक मिनट करें करें आप फिर घंटा तकरीर कर लें, चलें ठीक है जी। जाहिर सी बात है जब आप सवाल करेंगे, सवाल का जवाब घंटे में होता है, आप ये तो नहीं है कि सवाल करें जी आपका नाम, वो मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान पर मजमून लिखें और बंदा लिख दे जी पाकिस्तान 1947 को बना, बस दैट्स इट, ऐसे तो नहीं है, सवाल का जवाब तो लंबा ही होता है जी। बहरहाल आपके इमाम, आप अगर अपने, मैं बात को मुख्तसर करता हूँ, आप अपने इमाम की किसी किताब से कोई तारीफ दिखाएं कि वो देवबंदियों और वहाबियों को मुसलमान कहते हैं, आपकी बात मान। मैं आपको जरी भाई पहले बता चुका हूँ कि ये अकायद थे, फतवा दिया गया जो देवबंद वहाबी उलमा ने, उसकी वजाहत भी की कि अगर फतवा ना देते तो वो काफर, खुद काफर हो जाते, वो इसके बारे में भी आपको इलम है ठीक है। उसके बाद में रजू भी हुए कई उलमा के। अब बात यह है कि अब तक जो भी ऐसे अकायद रखे, देखिए अब हमारे भाई हैं जो खदमे नबूवत पे भी काफ़ी जो है वो एक्टिव रहते हैं, उनसे पूछा जाए किसी के ऐसे अकायद नहीं होते, वो जो ऐसे अकायद रखे, जो ऐसी गुस्ताखाना देखे, समझने की जो, और अकायद को तरीके से समझने की। अब जो कहता है फॉर एग्जांपल कोई हम पे इल्ज़ाम लगाया जी आप डायरेक्ट जो है ना वो नबी पाक से मांगते हैं मिसाल के तौर पे, लेकिन हम तो ऐसे नहीं मांगते ना जी, हम तो अता से, अल्लाह की अता से करते हैं ना कोई भी दुआ, देता तो अल्लाह ही है। मिसाल के तौर पर अगर कोई हम पे थोप दे, कोई अगर कहे तो, लेकिन जब उलमा या कोई भी देवबंदी या कोई इस टाइम का मौजूद वहाबी जो इस चीज़ को देखता है, नहीं यार वो ऐसे नहीं करते। अब कुछ ऐसे अकायद हैं हम वहाबियों के सुनते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये ऐसे नहीं है, कुछ शरीर मौलवी होते हैं जो फिरका वारियत की वजह से इन चीज़ों को हवा देते हैं, लेकिन जो उलमा हैं जो इलम वाले हैं वो इन चीज़ों में कुछ नहीं कहते। और जो अकायद, जो कुफरी अकायद जिन पे फतवा लग चुका है, वो जो अकायद बयान हो चुके हैं उनको जो कंटिन्यू अपने अकायद में शामिल करता है, मैं कहता हूँ कि वो गुस्साख है, काफिर है, ठीक हो गया जी, ये मेरा मौकफ हो गया। और उन उलमा की आपस की बहस है। दूसरा एक बात आप, और दूसरा आपने कभी किसी उलमा से मेरे ख्याल के बारे में, मैं गारंटी से कहता हूँ, एक भी सिटिंग आपकी किसी आलम से नहीं हुई होगी इन 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 बातों के बारे में। दूसरा इनका कोई दावा नहीं, मैंने कहा जिसका दावा नबूवत है, जिनका दावा नबूवत है, खुदाई का दावा है, आप उन देखें इस इन चीज़ों से लेके आप क्या इन फिरका वारियत को, इन चीज़ों को हवा दे के क्या आप मुझे हिला लेंगे या मेरे अकायद को हिला लेंगे? अब देखें ना, अब मैं सुन्नी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मेरी बात सुने, अहमद रजा खान साहब के जो अकायद हैं, मैं बरेलवी हूँ, मेरे ऊपर कोई थोपे कोई अकीदा मेरा ऐसा, मैं उसका जवाब देने का आपको जो है वो पाबंद हूँ?
देख फिर बताएं जी, वो मेरा कीदा जो है कुफर का कीदा है या मेरा फलां चलो कीदा सामने है, जी, इस बात ठीक है? को, इस आप बात को मेरा तुम कीदा बता दे, इनका तो दावा भी नहीं है इन चीजों का, और मैं कहता हूँ कि मेरा कोई, मेरा बरेलवी है, मेरा कीदा बता दे। इस मैं बात को दूसरा, मेरे लिए तुम हुज्जत, अच्छा दूसरा मेरे लिए अरे हुज्जत, मेरे लिए हुज्जत, मेरे लिए हुज्जत आप बना रहे हैं एक आलिम को। कुरान हदीस देखें, अब दावा आपने यार नबुवत हुज्जत नहीं और है, दावा खुदाई दिमाग मिर्जा खराब साहब होता का क्या जो बोल रहे है, हैं आप? जरी आपने भाई शायद मुझे बताएं। इमाम साहब, शायद आपने ना वो सुनने वाली वो डिवाइस उसको बंद किया है। मैं ये अर्ज, मैंने आपको माइक म्यूट किया, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपके लिए आपके इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब वो हुज्जत नहीं है आपके लिए, आपके लिए वो मोतबर शख्सियत नहीं है, वो हुज्जत नहीं मानते आप उनको। मोतबर हैं जरी भाई, मोतबर हैं, लेकिन अकायद के हवाले से कुरान और हदीस हुज्जत होंगे हमारे लिए, आपके इमाम नहीं ठीक हुज्जत है जी। आपके लिए, वो देखिए जी, वो तो हमारे लिए मोत, देखिए दूसरी, अगर हुज्जत की बात लेते हैं ना, अगर आप मैं फॉर अर्ज कर रहा एग्जांपल, हूं। मैं जी बताता हूँ, जी मैंने चलो अपने अपना मौकफ दे दिया आपको, अपना मौकफ दे दिया है। देखिए वो हमारे लिए मोतबर है, उन्होंने दीन इस्लाम के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए काम किया, उनकी खिदमात है, ठीक है जी। उन्होंने अकायद जो थे वो भी हमें पेश किए, जो सीना बसीना इल्म था वो भी हमें अता किया, जो मैं अर्ज जमाने कर रहा हूँ में, मेरे मोहतरम जो कि वो जमाने में आपकी कुफर के हुज्जत है कि कायद नहीं थे, है। उनको भी उन्होंने हमारे ऊपर वाजिया किया, उनको भी वाजिया दोनों ने किया, वादे किया, उन्होंने वो भी दुरुस्त इल्म जो है वादे कुरान और किया हदीस से ना। वाजिया ये किया। सुन लेना हुमाम साहब, ये बताएं कि वो आपके लिए हुज्जत है या नहीं है, ये पूछा आपसे। उन्होंने क्या इलम दिया, क्या इलम नहीं दिया, क्या कुछ गुल खिला क्या, ये एक अलग बहस है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो आपके लिए हुज्जत है, यानी अगर उनकी किताब से कोई तहरीर आपके सामने पेश की जाए, आप उस तहरीर का दिफा करना अपना फर्ज समझते हैं या नहीं है, क्योंकि वो तो आपके इमाम है। अगर तो आप उनका दिफा करना अपना फर्ज नहीं समझते तो फिर वो आपके इमाम नहीं है। जवाब, जी उस्मान इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, ये जो हुज्जत वाली बात है ना, अगर आप ये, मैंने पहले कहा कि किसी आपने आलिम से सिटिंग नहीं की, उनसे करें, वो ये इस चीज़ का जवाब देंगे। मैं अपना मौको बताता हूँ कि क्योंकि मेरा इलम जो है, मैंने आप उनको किसी इतना आलम नहीं को, अगर पढ़ा। आपको लगता है उस्मान साहब को बेहतर आलिम है, को बरेलवी आलिम को बेहतर है, तो आप उसको बुला लें स्ट्रीम में, हम गुफ्तगू कर लेते हैं। मैंने आपके देखिए बड़े जी, बड़े मोहतबर उलमा से गुफ्तगू की, मेरी लाइव चैनल पे मौजूद है, मुनादरे मौजूद है। एक नाम है मुझे अरशद पता है अरशद किन से की है और मेरे कैसों से की है। दोस्त आपने नहीं की, आपने जरी भाई नहीं है। की, अगर मेरा आप किसी आलम से समझते आपका हैं वास्ता ही नहीं पड़ा, ये आलम मैं का वास्ता। अर्ज करता हूँ, ये जो अभी ये फेसबुक पे, ये यूट्यूब के ऊपर कुछ ये खुद्दी मुनाद ये मौलवी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये कोई मौलवी है? ये इनको तन का तो घर में कोई नहीं पूछता, इनको इतना अधिकार दिखाकर इनको रोटी मिलती है। ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, आई एग्री विद यू 110% एग्री विद यू। लेकिन आपके जो एक मुफ्ती है अरशद जलाली साहब, वो मोतबर शख्सियत है, वो फारिगुत तहसील है, उन्होंने मुफ्ती का कोर्स किया हुआ है, ये मोची की तरह नहीं है। मैंने उससे उनसे मुनाजरा किया है, मेरा यूट्यूब पर मौजूद है, इनशाला किसी दिन मैं वो भी लाइव सुनाऊंगा मुनाजरा, ठीक है जी? उनसे भी मुनाजरा किया हुआ है। मैं देखें आपसे जरी ये अर्ज भाई, कर रहा हूँ मेरे मोहतरम, मेरे हर फन माफी कीजिए मौला, हर फन मौला कोई नहीं होता। देखें आपको जी। भी पता है कि अहदीस के इलम के बारे में भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, ये तो है, फिर कुरान के इलम के बारे में बहुत सी कैटेगरीज हैं। हर कोई हर कैटेगरी में कोई फिका के बारे में एक्सपर्ट है, कोई अकायद के। अब जैसे ये मैं आपको बहुत से ऐसे उलमा है जिनका हवाला दे सकता हूँ कि जो इन चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जो इसी चीज़ में काम करते हैं। हर कैटेगरी में हर कोई, हर फन मौला नहीं होता, ठीक है जी। उनके लिए उनको हवाले, उनकी सारी कुतुब का पढ़ा होना, उनके अकायद के बारे में, फिर हर चीज़ का उनको इलम होता है, हर चीज़ का, ठीक है। अब देखें, आपसे कोई डिबेट करना चाहे तो आम आलिम जो है वो आपको डिबेट नहीं कर सकता। क्यों? आपके जो अकायद हैं अंदर के, वो ही कर सकते हैं जो खत्मे नबूवत के मुजाहिद जो है, जिन्होंने आपको हर तरह से पढ़ा हुआ है। आम अच्छा मौलवी, आम मौलवी, आम मौलवी उठ के आ जाएगा, आपसे बात करने शुरू कर देगा, दजल तो जो है वो नहीं पकड़ सकेगा। अब आलिम जो, अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, अभी ये सारे अकायद जो आपने आपके बयान किए, मैंने नजदीक कहा उस्मान साहब, था, सुने सुने देखे उस्मान साहब, एक क्वेश्चन, बात को खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आपके नजदीक अभी तक जिन लोगों ने मुझसे गुफ्तगू की है वो आपके नजदीक आम मौलवी हैं, उन्होंने कोई नहीं पढ़ा जमाते हम देखो। नहीं, उनमें से भी कईयों ने पढ़ा होगा, लेकिन हर अख्तर एक ही कैटेगरी में एक ही टॉपिक पढ़ा। देखे मैंने आपको बताया
कि देखें, अब फॉर आप एग्जांपल किसी मेरे किस्म पास के नॉलेज है उस्ताद, ना, आखिरी मेरे सवाल पास मेरा ये मेरा नॉलेज है आखिरी कि सवाल, अभी आज की आपने जो नशिस्त हवाले का, दिखाए। मेरी सुने, आज की नशिस्त का मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप अपने इमाम आला हजरत अहमद रजा खान बरेली साहब को मुजद वो हुज्जत मानते हैं या नहीं मानते हैं? आपने फिर वही सवाल दाग दिया है, सवाल पे सवाल। जो मेरी बात है जरी भाई, इस तरह आया हूँ ना, अगर आपने बात बढ़ाई है, मुझे जाने नहीं दिया, बात बढ़ाई आपका, मैं आपको हवाले देता हूँ, आप सामने लगाएं। क्लब है जी, सिराजुल मैं अर्ज मुनीर है। सुने 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 मैं अर्ज कर रहा हूँ उस्मान साहब कि आप अपने इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेली साहब को मुजद्दिद मानते वो भी हैं या बता, नहीं मानते? वो भी बताता हूँ। वही बताएं ना, पहले वो बताएं ना, बात बताएं ताकि पता लगे कि आप क्या मुजद्दिद हैं या नहीं है। सिंपल सी जवाब है, मसलन अगर मुझसे को पूछे कि आप मुजद्दिद मानते हैं मेरे साहब, मैं मानता हूँ। जी मैं उनको मानता हूँ, यानी आपके नजदीक वो हुज्जत है, आप मैं उनको उनको मानते हैं। मुजद्दिद भी मानता हूँ, मोतबर भी मानता हूँ। मैं सुन तो लेना, हुज्जत के बारे में अगर बात करें ना, तो जी मैं जी जी उनको जितना उलमा ने पढ़ा है, जो जो आप मुझे पेश करना चाह रहे हैं ना, जो उलमा ने पढ़ा है, उनकी जो तहरीरात है वो मेरे सामने हवाला जात, जो उनकी आपस में तकरार, उलमा से फतवा, इनको मैंने इतना नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं उनको इस हवाले में हुज्जत नहीं अच्छा, करूंगा आपने अपने अपने लिए। ईमान को, आपने अपने लिए, सिद्दीक मेरे साहब लिए आपने वो सुना दिया। हदीस ले आए, हदीस ले आए, कुरान ले आए, उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद वो मेरे लिए हुज्जत है। इस टाइम मैं बात कर लूंगा उस पर, ठीक यानी है जी। इस मैं वक्त उस आपकी हुज्जत कैटेगरी को है, में, कल दोपहर हुज्जत उस इमाम साहब हो जाएंगे। जी क्या कहा, इस वक्त है यानी शाम, पाकिस्तान में रात का टाइम है, पाकिस्तान में रात के वक्त आपके लिए हुज्जत कुरान और हदीस है, कल दोपहर को आपके बुजुर्ग इमाम अहमद रजा खान बरेली साहब हो जाएंगे ओहो हुज्जत। ऐसी है, अभी देखे जी आप, वो फिर आप ना, वो दूसरों आपने भाइयों कहा को जी कहते इस हैं जी वक्त बांड है, है, आपने दूसरे वक्त भाइयों की को क्या, कहते आपका हैं जी फुकरा बांड रह है। गया। आप देखें जी, दूसरे भाइयों को आप जब कहते हैं ना, दूसरी स्ट्रीम वालों को, के बांड है, तो यही चीज आपने अभी के, मैंने कहा, मैंने आपको कहा है कि कल, कल को भी जो है, जब मेरे पास सामने वो तहरीरे इलम नहीं है, तो मैं क्यों कहूँ जी, इस टाइम की बात मिसाल कर रहा हूँ, कल को खुदा ताला मुझे जो है, उस साल में 2 साल में अगर उनको पढ़ूं, मेरे पास हिलो, मैं कहूँ जी आया जी, अहमद रजा खान साहब मेरे लिए हुज्जत हैं, उनकी कोई यानी तहरीर पेश करें, उन्होंने कोई चीज कुरान हदीस से बाहर नहीं की। जी उस्मान साहब, अभी तक आपके मुताले के मुताबिक अहमद रजा खान बरेली साहब आपके लिए हुज्जत नहीं है, ठीक है जी? हाँ जी, मैं उनको इस टाइम में, मैं मेरे लिए कुरान हदीस हुज्जत है जी, किसी मौलवी जिसने यार आप ये खुल दावे के क्यों नबुवत नहीं कर नहीं रहे? किया मेरे हुआ, मैं उनको हुज्जत नहीं मानता। आप ये कहें कि इमाम अहमद रजा खान बरेली साहब, जितना मेरा अभी तक मुताला है उस मुताले के हिसाब से अहमद रजा खान बरेली साहब मेरे लिए हुज्जत नहीं है। मेरे लिए नहीं वो जी हुज्जत, ठीक है जी, नाम लेके बताए ना कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेली साहब मेरे लिए हुज्जत नहीं है। जी मैं बताता हूँ जी, मैं जी उनको मुजद्दद भी मानता हूँ, मोतबर उनको मानता हूँ, क्यों नाम, यार ले नाम लेते हैं क्यों उस इमाम बात अहमद का रजा नाम? खान साहब को मोतबर भी मानता हूँ, मुजद्दद भी मानता हूँ, लेकिन जो तहरीर, जो एतराज आप पेश करना चाह रहे हैं, उसके बारे में मैं नहीं पढ़ा, उस हवाले में उनको मैं हुज्जत नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे उस नहीं बारे उस में इलम तहरीर, नहीं यार है। देखिए आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या ना किया उस्मान साहब, सुने गौर से, यानी आप सिर्फ उस तहरीर के हिसाब से कह रहे हैं कि मैं हुज्जत नहीं मानता, बाकी हुज्जत बाकी तहरीरों पे मानते नहीं, हैं वो तो मैंने आप आपको सब। बता दिया कि ऐसे ही था, उलमा उनके कायद के बारे और में वो यार सही सुने लिखा उस्मान उन्होंने। साहब सुने, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने। देखें जी मैं कहता हूँ, मैं हजरत अकदस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी सलाम मसीह मऊद व महदी मऊद व हकम अदल अली सलाम को हुज्जत मानता हूँ। इससे ये मुराद है कि मैं हजूर की हर तहरीर को हुज्जत मानता हूँ, हर एक अकीदे को हुज्जत मानता हूँ। मेरा अकीदा वाज हो गया, मैंने खुल खुला के ये बात बयान कर दी। आप ये कह रहे हैं मैं उनको बार बार कह रहे हैं, बार बार ये कहने पे आपने नाम लिया जी मैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेली, और फिर बाद में ये कह दिया जी मैं उनको इस तहरीर पर हुज्जत नहीं मानता। वो इस तहरीर पर नहीं मानते तो बाकी तहरीर पर मानते हैं? या आप ये कहें जी मैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेली साहब को बहसियत एक बरेलवी, मैं उनको इस वक्त जो मेरा मुताला है उसके हिसाब से मैं हुज्जत नहीं मानता। मैं कितनी बार जरी भाई घुमा घुमा के बात आप वहीं पे कर रहे हैं, आप सही तहरीर के कहा नहीं बारे में है यार, मैंने मौकफ दे दिया, तहरीर के बारे में कि ऐसे ही कायद थे, जिनके यानी कायद अब भी तहरीर के ऐसे हैं। बारे में वही तो चक्कर है ना उस्मान भाई, यानी आप इस तहरीर को मोतबर नहीं मानते, इस तहरीर को हुज्जत नहीं मानते, बाकी को मानते हैं, यही ठीक बात है? मान रहा हूं भाई हुज्जत, मैं तो कहा कि ऐसे ही लिखा उन्होंने, वहाबियों के अकायद मैं थे अभी ऐसे कह तो रहा हूँ लिखा हुज्जत नहीं उन्होंने, मानता और आप कह रहे हैं हुज्जत मानता फिर हूँ, उस्मान साहब मैंने देखिए पढ़ा आपकी हुआ है बात ना, सुनिए। मैंने पढ़ा हुआ है उनके बारे में, रुजू भी पढ़ा हुआ है, अभी मैं अच्छा बताया आपको उस्मान वो साहब इस हवाला, चक्रे वो सफा उस्मान नहीं साहब याद, कहानी जो का जवाब पास पढ़ा है करके मैंने पानी बता भी पिए, दिया पानी आपको।
पानी पिए, मैं पानी क्यों पिए, पानी पीना जी, शुक्र आप अल्हम्दुलिल्लाह पानी पिए, मुझे समझ आया पानी कि पीने आप की जरूरत कितने नहीं बात। है। आप मिर्जा साहब पे बात नहीं कर रहे, आपको पानी पीने की जरूरत शायद हो। मुझे लगता है कि जब से मैं आया हूँ, मैं आपने मुझे तहरीर दिया, मैंने उसका मौकफ, उसका बयान भी आपको बता, जो मैंने पढ़ा उसके बारे में भी बता दिया। हालांकि मैं जो है वो उलमा की जो आपस की बातें उनमें बहुत कम कम इलम हूँ, तो मैं उसमें उसके बावजूद मैंने जो पढ़ा मैंने आपको बता दिया। फिर अच्छा मैंने सुने, कहा कि यही अकायद मैंने मिर्जा साहब की किताबों में पढ़े हैं, देखे हैं, आपने उसका जवाब दे दिया, वो जी आपकी समझ है। तो इस तरह आपकी समझ उस्मान साहब सुने, आपको मैं बात समझ नहीं आ रही। आप ये बयान फरमाना चाह रहे हैं कि मैं इस तहरीर में अहमद रजा खान बरेलवी साहब को हुज्जत नहीं मानता। ठीक है जी, आपने मौकफ दिया है, ये आपने अपनी तरफ से जान छुड़ाई है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मैंने ये गुफ्तगू की, मैंने प्यारी ही बात आपसे की है, बड़ी प्यार से बात की है, बड़ी मीठी बात की है कि चलें एक मसला हल हो गया कि आप इस तहरीर में अपने इमाम को बतौर हुज्जत नहीं मानते एज अ बरेलवी। ठीक है जी, ऐसी बात है, यानी बाकी तहरीरों को आप हुज्जत मानते हैं, सिर्फ इस तहरीर को नहीं मानते। ये अभी जो जेरे बहस है नहीं फतावी गरीब भाई, देर की। झूठ ना बोले, झूठ ना बोले, अच्छा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है कि मैं वो तहरीर पढ़ी, मैंने कहा कि वो उसके बारे में मैंने हवाला भी पढ़ा हुआ है, रजू भी पढ़ा हुआ है, उसके कोई ना, बारे में जो तो आप फतवा, इस तहरीर को भी हुज्जत मैं नहीं हुज्जत मानते मान रहा ना। हूँ, चले मैं मैं मानता कहता हूँ रहा हूं, तहरीर पहले सही है, बात, वो सही तहरीर अच्छा है, तहरीर ठीक है, तो आप इसको उचित मानते हैं। तहरीर सही है वो, बिल्कुल उनके अकायद थे ऐसे, ठीक है। अच्छा अब बाद में जिनके जिन्होंने के जिनके बयान आए कि हम ऐसा ऐसा नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है, फिर कईयों के रजू भी आए कि जो ऐसे मान रहा है हम उससे बरात का ऐलान करते हैं, वो भी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। अब दूसरी बात, इसके इसी ऐसे ही अकायद सेम टू सेम, मैंने वो पहली तहरीर जो भाई ने लगाई हुई थी वो भी मैंने कहा वो लेके आए, अच्छा सेम टू सेम आपको तहरीर जिनका ठीक दावा नबूवत है है, अच्छा उनकी सुने, दिखा मैं देता अर्ज हूँ, करता फिर हूँ, आप उनके लिए मेरी हुज्जत, बात सुने, अच्छा उस्मान मिर्जा साहब सुने, बशीरुद्दीन आपके लिए ओ हुज्जत, एक मिनट सुने, मैं बताता हूँ, अर्ज करता हूँ। अब फिर वही बात है, पहले कह रहे थे कि मैं इस तहरीर को मैं हुज्जत नहीं मानता, पहले आप ये बयान कर रहे थे, पहले आप ये बयान कर रहे थे, फिर बाद में कह रही थी मैं हुज्जत मानता हूँ। यानी अब आप ये कह रहे हैं कि आपके नजदीक आपकी आला हजरत हुज्जत है, अभी तक तो यही मामला क्लियर नहीं हो रहा। जरी भाई कुछ आप और दिखाना चाह रहे थे, मैंने उसके बारे में कहा था कि अगर आप कोई एतराज और कोई दिखाना चाह, कोई है ना उस वाले में, मुझे इलम ना होगा तो आपने मुझे डायरेक्ट सवाल नहीं नहीं किया नहीं कि आप आपको हुज्जत मेरे पर मानते हैं हैरानी जी हो रही टोटली, है। अच्छा सुने, मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ आ गई, मुझे आपकी बात समझ आ गई कि अभी ये तहरीर मैंने दिखा लिया, तो इस तहरीर पे कह दिया जी मैं हुज्जत मानता हूं, और बड़ी देर बाद मानना है, पहले इनकार किया और बाद में इकरार किया है, और अब ये कह रहे हैं कि अभी जो मैंने तहरीर दिखानी है उस तहरीर के ऊपर मैं हुज्जत नहीं मानता। और पता नहीं वो तहरीर कौन सी होगी, मैं भावे फांस जावा बाद से, मैं अपने इमाम की दफा करके मैं हुज्जत मान के फांस जावा, इसलिए पहले से इनकार कर दिया जी मैं हुज्जत मानते नहीं हूँ। ये हुज्जत मानने का भी अजीब सा मेयार है इनका, मुझे बड़ी ओ हैरानी देखे हो रही जरी है। भाई, उस्मान साहब सुने, जरी भाई मुझे ना मुझे हुज्जत मानने की अजीब सी एक टर्म समझ आई है कि तुम तहरीर पेश करो, तहरीर पेश करने के बाद मैं बताऊंगा कि मैं हुज्जत मानता हूँ या नहीं मानता। वाह, ये एक नई हुज्जत की तारीफ आई है, हुज्जत की एक नई तशरीह आई है। उस्मान अहमद साहब दामत बरकात आलिया ने यह बयान फरमा दिया है, ये मुतजिल्ला उतारा इन्होंने ये बयान फरमा दिया कि हुज्जत की ये तारीफ है कि मुझे तहरीर पेश करो, तहरीर पेश करने के बाद मैं बताऊंगा कि मैं हुज्जत मानूंगा या नहीं मानूंगा, उन मैं कौन जमंड। अच्छा आप मुझे देखिए, ये आप बताएं अपने उस्मान साहब, एक अल्फाज गरीब नहीं, ये आप भाई, क्यों एक कह मिनट रहे बात हैं, सुनिए, आप देखिए अपने आप अल्फाज सुन मेरे रही है मुंह में ना, डालते हैं, सुने, देखिए नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं नहीं डाल रहा, होता, मैं ऐसे क्यों डाल नहीं, रहा। सुने उस्मान साहब देखें, आवाम सुन रही है ना, आवाम सुन रही है, वो खुद ही फैसला करेगी कि मैंने बात गलत की है या नहीं की। आवाम सुन रही है, फैसला आवाम पे है, आपने भी गुफ्तगू की है, मैंने भी की है, आवाम ने सुनी है, वही फैसला करेगी जी कौन ठीक कह रहा। अब इसमें सुनने वाले सिर्फ एमडी नहीं, सारे नॉन एमडी भी हैं, वो भी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो वो फैसला करेंगे कि किसने ठीक कहा है, किसने किसके मुंह में अल्फाज डाले, किसने नहीं डाले। चलिए इस बात को छोड़ दें। अब आप मुझे ये बताएं, आपका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा है कि उन्होंने जो कुछ खुदा ने उनको बताया, क्या उन्होंने वो सब कुछ अपनी उम्मत को बता दिया? देखें जरी भाई आगे ना जाएं, आगे बाद में जाते हैं, पहले उस पे बात कर लेते हैं, जो अभी तक आपने जो फिरका फिरका खेल रहे हैं ना, तब से फिरका फिर उस पे थोड़ी मैंने तो बात फिरका कंप्लीट फिरका कर खेली लें। नहीं है, मैंने फिरका फिरका आपने जो अभी मुझे सुने, देखो तहरीर दी, देखें सुने, मैं अर्ज करता हूँ, मैं बताता हूँ, फिरका फिरका तो तब खेलूं, भाई दियोबंदी बरेलवी काफर ने एक दूजे ने कह देने काफर, मैं तो नहीं आख्या हो दो आप पिछे कहते ने काफर ने वापी देवबंद नु कहंदा देवबंदी वापी नु कहंदा, तो एक दूजे नु कहंदे ने सारा दिन ए रोला पांदे ने एक दूजे नु काफर काफर कह के थकदे ने, फिर राती चाह दा प्याला पी के फिर दुपहरे लड़ पैंदे ने,
चले जरी भाई 10 रुपए हो गए आपके। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, नहीं मुझे पहले 10 रुपए दें। मैं ट्रांसफर कर देता हूँ आपको। अच्छा मेरी बात ठीक सुने, है, आपने तहरीर एक दिखाई मुझे, बात सुने, एक तहरीर दिखाई, मैंने उसको तस्लीम किया। मैंने कहा आपने आगे बात की है जी, मैं अगली बात करना चाहता हूँ, मुझे बताएं आप उज्जत मानते हैं। देखें अच्छा जब मैंने कहा जी, देखें कि अकायद के बारे में जो इस टाइम बात चल रही है अकायद के बारे में, मैं हुज्जत, वो बताया भी पहले है कि मौलवी, जो भी मौलवी हैं उनका दावा नबूवत भी नहीं है, इंसान है, खता हो सकती है। आपने कहा जी अंबिया से भी खता, खुद माने हैं कि अंबिया से भी खता हो सकती है जी, आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई है। ये मैंने फिर साफ कह मुझसे, मुझे थोप दिया, रहे हैं कि आप ये उनको मैंने हुज्जत साफ कह, माने, नहीं आप मैंने कहीं उनको साफ मोतबर कह मानते, हुज्जत भी माने, आप मैं उनको, आप हुज्जत भी उसको माने जी, आप मोतबर मानते हैं, हुज्जत भी माने, मेरे मुंह पे आप नवाले अपने ठोंस रहे हैं। देखे मैंने आपको कहा, आपने तहरीर दिखाई, मैंने कहा जी इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है। बाद में आप कहने लगे जी, देखे जी कि ये आगे से आप हुज्जत मानते हो जो मुझे बताएं। मैंने कहा जी मैं उनको नहीं अकायद आगे के से नहीं बारे हर में, तरह से, मतलब मैं मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ मतलब अगली नहीं बात पे आगे से मैं बताता हूँ। ये हमारे साथ आलियान से मौजूद है, ये सामीन, ये लिसनर है। अब देखते हैं ये क्या तबसरा करने आए हमारी बात सुनने के बाद। अब देखते ओ नाले जी। तौर पे जी आ रहा है तो बड़ी माड़ी गाल है। अच्छा ये नाले, एक मिनट, किसी ने माइक खोला है? ये मेरा ही आपने था, खोला सॉरी। अनीस भाई? अच्छा मैं खबर नहीं क्यों जी। अच्छा उस्मान साहब बात देखे, बात बड़ी आसान सी बात जी है कि मिसाल के तौर पे आप मुझसे पूछते हैं जी आप मिर्जा साहब को हुज्जत मानते हैं, मैं आपको अगर ये जवाब दूं, अगर आपको ये कहूं जी आप तहरीर पेश करें मैं फिर बताऊंगा मैं हुज्जत मानूंगा या नहीं मानूंगा, तो ये तो एक मजे का खेज बात हो जाएगी, एक हंसी वाली बात हो जाएगी। चले इस बात को बाद में बाकी के मजीदारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है अच्छा आलियान साहब, मिर्जा ये बशीरुद्दीन सर साहब बिल्कुल को आप हुज्जत मानते हैं? मैं उनको हुज्जत मानता हूँ, मेरे इमाम है, मेरे वो दूसरे खलीफे हैं, जमाते हम देखे दूसरे खलीफे हैं, मुस्लिम महुदा नफर अल्लाह मरकदा रजी अल्लाह तुम, मैं तो उनको मानता हूँ हुज्जत, मेरे लिए तो हुज्जत है, बिल्कुल मानता हूँ, ये मेरा ईमान है। और मैं ये नहीं चले कहूंगा फिर जी उनकी मुझे, तहरीर सामने लेके आए ना, मैं हवाला दे। मैं अर्ज करता हूँ, सुने सुने सुने, आपने मुझसे देखे पूछा है, मैंने दो टोक आपको जवाब दिया है। मैंने ये भी नहीं कहा नहीं भाई पहला तहरीर लिया, मैं फिर दसा मैं हुज्जत मानता या नहीं मानता, नहीं भाई पहला तू तहरीर लिया, मैं नहीं दस रहा है, मैं तू फसा दे मैंने फिर। अच्छा ये मेरे साथ मौजूद है आलियान साहब है, ये लिसनर है, नीचे सुन रहे थे हमारी गुफ्तगू, और मेरा ख्याल है उसके बाद इसके ऊपर कोई रिव्यू देने आखिरी आए बात हैं। नहीं एक मिनट सुने, एक मिनट सुमान साहब सुने, इनसे रिव्यू लेते हैं कि ये क्या कहते हैं आलियान साहब हमारी गुफ्तगू सुनने के आप वो बाद। हुज्जत पे जवाब तो ले ले मेरा। सुने ना, मैं अर्ज करता हूँ, मैं आपसे जवाब भी ले लेता हूँ, आपने तो अभी तक जवाब दिए नहीं, आपने तो अभी तक अपने इमाम के बारे में ये भी नहीं बताया कि हुज्जत है भी या नहीं है, वो तो अभी तुरंत मुरंत के बीच में बात घूमी हुई है। अच्छा ये आलियान साहब की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आलियान साहब, आपको आवाज आ रही है? लो तो आड़ी आवाज से काट रही है। और अनीस भाई आपको आवाज आ रही है उनकी? नहीं, उनके डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा जी आलियान साहब तो आड़ी आवाज, यार जदों से मेरे इंटरनेट तो कबूतर उड़े ने, बकूतर उड़ गए ने, उदों का सारे दे ओ नेटा ते कोई ना कोई कबूतर बह गया। आलियान साहब दोबारा सारे इधर ट्राई उधर करें, निकालते ने। आलियान साहब दोबारा ट्राई करें, शायद आपकी आवाज ठीक हो गई दोबारा। अच्छा ये जी उस्मान साहब आप मुझे ये बताएं कि हाँ जी, आपने अपने उज्जत के इमाम, बारे में देख लें, अकायद के बारे में। सुन, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप अपने इमाम को तारीफ देख के बिना हुज्जत मानते हैं या तारीफ देख के हुज्जत मानेंगे? भाई मेरी तो सुन लो जरी भाई, आप उलमा की सारी किताबें उठा के देख ले, हुज्जत किसको माना जाता है? चार चीज़ों को हुज्जत माना जाता है हमारे में, और आपको अच्छा उनका अच्छा पता भी है, कियास, अच्छा कुरान, हदीस, हाँ और इजमा भूल गए जो इजमा। था, कोई बात जी, मैंने बता हाँ दी कोई जी भूल गया चले, था। कोई बात ऐसी नहीं, इंसान अच्छा कंटिन्यू क्यास बात करते करते हुए अटक जाता है, कोई ऐसी बात क्यास नहीं। किसे कहते हैं, क्यास किसे कहते हैं मुझे ये तो बताएं। क्यास ऐसा वो चीज़ है ना, देखे जी, कि जो हमें चीज़ नहीं मिलती नई वक्त कश्मीर वाली के, जी वक्त के लिहाज से। देखे जी अच्छा मैं अपने अपने मुताबिक जो मैं समझता हूँ ना, जो पढ़ा है कि वक्त के लिहाज से जो चीज़ कुरान और हदीस से हमें ना मिले वक्त ज़माने के लिहाज से, तो उसको फिर क्यास पे डिफाइन किया जाता है। फिर उसको उसको इमाम जिन्होंने क्यास पे जो है वो सारे मसाइल का हल निकाला हुआ है, उनको कहते हैं हम क्यास। अकीदे का हल है, यानी अकीदा क्या से दुरुस्त हो सकता है, अकीदे पे इज्तिहाद हो सकता है?
मसाइल के हल के बारे नहीं में, समझ, जिसको नहीं समझ आई मेरे ख्याल, समान सब समझ नहीं आई। मसलन मैं ये कहूं यार, मैं कुरान पढ़े है, मैनू ना कोई आयत समझ नहीं आई, ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान तो जान दी, ते मेरा यह ख्याल अच्छा है मैं कि वो मैं इस बताता आयत हूँ में, जरी भाई, सुने सुने आप सुने ये सुने बताएं मुझे। सुने सुने, मैं अर्ज करता हूँ, सुन सुन मैं आपको बताता हूँ क्यास की तशरीह बताता हूँ, आपने बोलने रहने लिए, एक मिनट, मैंने ना कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ा है और मैंने ना कुरान पाक को सारा तर्जमे से पढ़ दिया है, मुझे कहीं भी ना ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म समेत आसमान पर जाने की कोई दलील नहीं बनती। वो मेरा कयास ही है, मैं ये समझता हूँ कि यार अल्लाह ताला तो कादर है, अल्लाह ताला हर चीज को उठाने पे कादर है, वो तो उठा सकता है, तो खुदा ने ना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, ये मेरा कयास है। अब ये कयास अकीदा बन सकता है? हेलो, हाँ जी, मेरा माइक म्यूट था, आपकी आवाज़ जो है ना डिस्टर्ब कर रही है। दोबारा बोले क्या कहा आपने? मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक बंदा कुरान करीम का तर्जमा पढ़ रहा है, ठीक है जी, वो तर्जमा जी कोई भी है, मौदूदी साहब का है, कमजोर ईमान है, वो जो भी तर्जमा मोहम्मद अली लाहौरी साहब का है, अच्छा उसमें बंदा कहता है जी मैंने पूरा कुरान पढ़ लिया, मुझे कहीं भी ना ईसा अलैहिस्सलाम की हयात की कोई दलील नहीं मिली। मेरा ये ख्याल है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, क्योंकि वो तो हर चीज पर कादर है, वो तो कुदरत रखता है, तो अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये कयास है, मेरा ये इज्तिहाद है इस बारे में कि यार अल्लाह उठाने पे कादर है, वो कुदरत रखता है, उसने उठा लिया। अब ये कयास है और ये इज्तिहाद अकीदा बन सकता है? देखे नहीं जी, देखे आप गलत डिफाइन कर रहे हैं क्या उसको। जो आपने चीज़ मुझे तो पहले आपने आपने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि वो जी मौजूद ही नहीं है जी। जो चीज़ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो चीज़ तो मौजूद हो है, मौजूद है, उसके बारे में तो क्यास होता ही नहीं है। जो चीज़ मौजूद नहीं है उसके बारे में क्यास है। उस जो क्यास किया जाए फिर इजमा हो उस पर, तो उसको अकीदे में शामिल किया जा सकता है। यानी जो चीज मौजूद नहीं है उसके ऊपर कियास किया जाए और वो इजमा, वो फिर जो है उसके ऊपर इजमा किया जाता है, ऐसे क्या है? हाँ जी आपको पता है कियास का लफ्जी तर्जमा क्या है? क्या इसका मैं बता देता हूँ, ठीक, यानी कि सर्च कर ले, कोई बात नहीं, बंदा कर लेता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इज्तहाद, यानी कि इज्तहाद जिसे कहते हैं ना, इज्तहाद पे जो बोला जाए, कियास के मुतल्लिक इज्तहाद कहते हैं, कियास को कहते हैं अंदाजा लगाना, तुक्का यानी कि लगाना। नजरिए हैं उसके मुख्तलिफ, तीन तीन चार नजरिए, एक साम है उसकी मैंने उसके पढ़ी हुई ऊपर है, जी, अभी उसके ऊपर जो है मुझे वो अंदाजा मैंने लगाना, मैंने पढ़ा हुआ है उसके। अपनी एक राय देना, एक इजहार ख्याल करना, उसको कहते हैं कियास, ठीक है जी। जी अल्फाज सही कर लें, तुक्का लगाना ना, या अल्फाज जो है ना वो ठीक कर लें अपना। यार अंदाजा और तुक्का में क्या फर्क होता है? तुक्का एक जो है वो फनी वर्ड बन जाता है, आप अंदाजा कह सांस लें, ठीक है। ये सांस यार आवाम, देखिए आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हमने सांस आवाम को भी तो यार थोड़ा सा वो उसको जोश देना ना कि यार कितने बोर हो सो ना जान। हाँ जी, जगा लें, वो उनको जगाने की वाकई ज़रूरत है, जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो नीचे बरेली है, वहां ऐसे ही पे है है, उनको बिल्कुल। नसीहत से अभी सुनो। वो क्योंकि अभी हवाले तो आप लेके आ ही नहीं रहे मिर्ज़ा साहब के, तो उनको अभी जागना है अभी उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस तरफ आएंगे भी। जरा एक जब बात मुकम्मल हो, आपने खुद ही नहीं बयान फरमाया कि जब एक बात कंप्लीट होगी तो फिर दूसरी बात आएगी। अच्छा आप जी, नहीं ना, वो अभी अच्छा हवाला जो सुने, आपने दिखाया वो तो अभी अच्छा सुने उस्मान साहब, एक सुने, छोटी सी बात है यार, बड़ी प्यारी आपसे बात, आपने देखा कोई बदतमीजी अभी तक नहीं की, बड़े प्यार, अगर आप ऐसी बात करते हैं यकीन करें मैं कहता हूँ कि आपसे बात होती रहेगी, यकीन करें, अभी तक आपने बड़े प्यारे अंदाज से गुफ्तगू की, कोई बदतमीजी नहीं की आपने, कोई बदजुबानी नहीं की, वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको इस बात पे जजा दे। अच्छा दूसरा उस्मान साहब जी है कि मैं अब आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि आपके जो इमाम हैं अल हजरत अहमद रजा खान बरेलवी साहब, वो आपके लिए हुज्जत है तहरीर पढ़ने से पहले है या तहरीर पढ़ने के बाद है, यानी तहरीर देखने के बाद? जेरी भाई, अगर तो आपने वाम को एंटरटेन करना है और इसी पे घूम नहीं घुमा यार के फिरना है, नहीं नहीं मैं तो इस एंटरटेन पे नहीं, जो एंटरटेन आपका करने जो का टाइटल उद्देश्य है ना क्या है? स्ट्रीम का, वो बेमायनी बेमकसद है।
ठीक है, वो बेमकसद है। अगर आपने वो मदारी पानी करना है ना तो बेमकसद है, कोई उसका मकसद नहीं है ना टाइटल का, जिस चीज पे मैं स्टार्ट में देखिए, बोला है और हवाला मैंने आपको कहा बे उस्मान साहब सुनिए, मैं आज करता हूँ। आपने ये कहा है जी इसके ऊपर बेमकसद गुफ्तगू करना, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, और मैं जब बात कर रहा हूँ यही वाली जो बात, ये तो बात आप कर रहे हैं, ये तो आपने बात बयान की है। जब मैं आपसे पूछ रहा था कि आप हुज्जत मानते हैं या नहीं मानते, आपने कहा पहले तरीर दिखाओ। तो मुझे तो आप ये बता रही, इसका मतलब ये कि मदारी पढ़ा आपने शुरू किया और मैंने बताया कि ये मदारी पढ़ा फिर आपने किया है, मैंने तो नहीं किया, ये तो आपके अल्फाज थे। अच्छा यार इस तरह करते हैं उस्मान साहब, तो चेंज करो थोड़ा सा देखे पानी, हुज्जत। उस्मान साहब सुने, आप तो इस तरह करें कि थोड़ा सा पानी के गिलास पिए। मेरे साथ ये बंदा कोई बंदा है जी एंड द प्रॉफिटहुड, ये बंदा को इसके साथ हम चलते, इसके पास चलते, देखते ये क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड द प्रॉफिटहुड साहब, आपका माइक म्यूट, आपकी तरफ से उसको अनम्यूट करें। जरीब भाई आप उनको जगा नहीं सके, मैंने कहा ऐसे नहीं जागना, जो मैं कह रहा हूँ ऐसे जागेंगे, सोए हुए अभी। अच्छा क्यास की मिसाल भी एक मेरे मिनट जहन में आ गई माइक है। माइक माइक ऑन म्यूट होगा जी, माइक ऑन म्यूट होगा जी बंदे का। एक मिनट, ओए ओ भाई फिर। हाँ जी सलाम वालेकुम, हेलो एंड आप प्रॉफ रूट साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा यार अभी तक ना मुझे अच्छा अब उस्मान क्यास साहब, की बात कर रहे थे जरी भाई। अच्छा देखें अब जैसे फॉर एग्जांपल शराब है, खुमर है, कुराने पाक क्या में है है खुमर, उसका खुमर। खुमर खुमर, अच्छा, अच्छा, मिसाल के तौर पे ऐसी चीज़ जो कुरान से हमें मिलती है, जो तब मौजूद थी, उसके बारे में लोग वजाहत उनको पता थी कि इसमें जो है वो नशा है। अब कुछ बाद ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बाद में डिस्कवर हुई हैं, न्यू चीज़ें आई हैं, उनके बारे में, मौजूदा हालात के बारे में उनके बारे में पता नहीं है कि वो नशा देती हैं, कितना देती हैं, उसके बारे में कयास करना या उसके बारे में कोई हुक्म लगाना, तो इन चीज़ों को मतलब ये चीज़ें हैं जो कयास कहलाती हैं, वो भी हुज्जत है। अब मेरे लिए चार चीज़ें हुज्जत हो गई हैं, ठीक है। अब उन चार चीज़ों से आप बात कर लें, फिर मैं आपको कहा है कि हवाले देता हूँ मिर्ज़ा साहब के, फिर आपने कहा मेरे लिए हुज्जत हैं वो जी माँ अपने बशीरुद्दीन साहब, उनकी अच्छा तहरीरें हैं, मैंने कहा आप चलो उनको सुन डिफेंड लेना, कर अच्छा लें, अपने सुन हुज्जत लेना, मान के उनको डिफेंड कर लें अच्छा इन सुन लेना चारों तो सही, चीज़ों पे। ना उस्मान साहब सुना तो सही, यार नाराज ना हुआ करें आप, नाराज ना हुआ, मैं फिर आराम चले से बोलो। जाऊंगा अभी, क्योंकि फिर आप वक्त नहीं ज़ाया नहीं कर रहे हैं। मैं वक्त जाया कर रहा हूँ, आपने अभी तक बताया जी नहीं कि जी आपके इमाम तारीफ पढ़ने से पहले हुज्जत है या तारीफ पढ़ने के बाद हुज्जत, और मजाक मैं कर रहा हूँ, यार टाइम मैं जाया कर रहा हूँ। सुने सुने चलो उस्मान साहब सुने, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए आपको अपनी बातों में हंसी आ रही है क्योंकि ये बातें आप कर रहे थे। अच्छा सबसे पहली बात तो ये है, आपने कहा जी इस्लाम में चार चीजें हुज्जत है, ठीक है जी, एक है जी कुरान, फिर है जी हदीस, फिर है जी कियास, और फिर है जी इजमा। यही बात है उस्मान साहब, ये चार चीजों के मुतल्लिक आपने जो गुफ्तगू फरमाई है। फिर आप मुझे ये बताएं कि आपके नजदीक इन चारों के अलावा आपके मुजद्दीन, आपके उलमा और आपके ये जो है अकाबरीन, ये हुज्जत नहीं है आपके नजदीक? देखिए मैंने आपको कहा तो है कि अगर किसी आलिम से आप जो इन चीज़ों का माहिर है उससे बात करें, वो आपसे कह सकता है कि देखिए मैं उनको पढ़ा हुआ है, मुजद्दिद अच्छा हैं, मैं उनको पूरा पढ़ा हुआ है, लिहाजा वो मेरे लिए, आप उनकी कोई भी तहरीर पेश करें, उन्होंने कुरान और हदीस और चारों चीज़ों के से हट के बाहर बात नहीं की हुई, वो कह सकता है, दावा कर सकता है। यानी मैं आपको भी अभी कह भी रहा अपने, हूँ, जी, इस मामले में आपकी मैं बात भी समझ आ दावा गई करता बिल्कुल, हूँ, मैं जी भी आपकी दावा बात करता समझ आ हूँ। गई है, मुझे आपकी जी बात जी उस्मान साहब समझ आ गई है। आप ये कह रहे हैं कि जब तक मैं अपने इमाम को नहीं पढ़ूंगा उस वक्त तक मैंने उनको हुज्जत नहीं मानना, हो सकता है उन्होंने कुरान से हट के बात की हो, यानी अभी तक आपके नहीं, जो मैं नहीं आपने कहा कि कुरान में हटके आपको की हो, उसको मैंने कहा आपको कि नहीं उसको लगाया है। समझना। देखें अब इज्जत बा जिल्लत पे लाखों सलाम है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, आपकी बहुत ये तहरीर ग्रुपों में घूमती है, ठीक है, मेरी और इस पे जो अब देखें, अब वो कोई आम बंदा है वो इसको इसकी समझ नहीं है, ठीक है, वो आपको कैसे इलम इसकी समझ नहीं है। मिसाल अब मैं फॉर है इसकी एग्जांपल समझ, है, मुझे सारी समझ है, आप देखें ना, अब कभी एक कहते हैं सीढ़ी सुने पे उस्मान मैं साहब इस पे सुने, भी कभी बात
यार कभी आप कहते हैं मुझे इस पे पता नहीं है, आप उलमा से बात करें, कभी आप कहते हैं मुझे सारी समझ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपको समझ है क्या। चले मैं चले यार, और बोलिए जेरी भाई आप उलमा जिसको से पढ़ा बोलिए है उसको बोलिए। मैंने बता भी रहा हूँ, जो पढ़ा है मैंने बताया अभी। मैंने कहा मिसाल दी है कि अगर इसके बारे में, अगर मिसाल के तौर बात करते हैं, मुझे इसके बारे में पता है, ठीक है। अब कोई ऐसे मामला जो बहुत डीपली, जैसे उलमा के अपने मामला हैं जिनमें जरा चलती है, जिनमें वो बहस होती है, उनको उन मामला में मैं उसमें फन नहीं रखता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, अब मैं उसको जो है रीड करके फिर मैं उसके बाद बात कर सकता हूँ उन बारे में, ठीक हो गया जी। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि उन्होंने कोई गलत चीज लिखी होगी, गलत उन्होंने, मैं उनको मोतबर मानता हूँ, नहीं लिखी होगी उन्होंने गलत। लेकिन उसको डिफाइन करना क्या मायने थे, क्या उनके जो है मतलब बनता है, उसको नहीं मैं डिफाइन कर पाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ चले उसके फन के आप लिए अपनी बात सही उलमा की से है। आप हाँ रजू करें, आप जो मेरी मुझे आपकी पता बात समझ है, आइए जी। उस्मान साहब, जो आपने जो मुझे जुमला पता बोला है। ना, जो आप, सुनो सुनो मैं बताता हूँ, आप आपने जो जुमला बोला ना, बड़ी प्यारा जुमला बोला, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, बहुत खूबसूरत जुमला आपने बोला है। और इस जुमला बोलने पर मैं आपको पता क्या कहूंगा। हेलो जी जी बोले बोले। जी, इस जुमला बोलने पे मैं आपको कहूंगा कि आपने वाकई बड़ी प्यारी बात और बड़ा जबरदस्त जुमला बोला, लेकिन इस जुमला बोलने से पहले आपको पता क्या कहना चाहिए था। आपको ये कहना चाहिए था कि मैं अपने इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब को हुज्जत मानता हूं, अगर आप उनकी कोई तहरीर पेश करें वो तहरीर मेरे सामने आएगी, अगर उसका मुझे मानी मफहूम ना पता हुआ मैं अपने उलमा से रजू करूंगा, उनसे पूछ के आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी वो तहरीर मेरे लिए हुज्जत होगी। ये जुमला आपको बोलना चाहिए था, और मैं आपको काफी देर से इस तरफ ला रहा था कि आप ये बात करें, और आखिर पे आके आपने बात यही की है। अब आपको बात समझ में आई है कि इस इन बातों को आप मदारी कह रहे थे, मदारी पुणा और नहीं जी देखें मसल। अकायद के सुने बारे में। मैं अर्ज करता हाँ हूं जी हाँ उस्मान साहब, जी सुने मैं अर्ज करता हूं। चलो मिसाल के तौर पे अब रूहानी खजाइन में जो कुछ बयान किया गया है, मलफूजात में जो कुछ बयान किया गया है, मजमू इश्तिहारात में जो कुछ बयान किया गया है, और मकतूबात में जो कुछ बयान किया गया है, ठीक है जी, अलबदर में जो कुछ बयान किया गया है, इसमें जो कुछ भी बयान, मैं मिसाल कहता हूं जी, मैं इन सबको हुज्जत मानता हूं। एक जुमला, अगर मेरे सामने आप कोई इनमें से कोई तहरीर पेश करेंगे, मुझे अगर उसका जवाब ना पता हुआ मेरे लिए फिर भी वो तहरीर हुज्जत होगी, मैं अपने उलमा की तरफ रजू करूंगा, उनसे उसकी तशरीह तफसीर उसकी तौजीह पूछ के मैं आपको बताऊंगा जी, ये इसका जवाब है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा जी, मैं जब तक उनको मुकम्मल तौर पर पढ़ न लूं मैं उनको हुज्जत नहीं मान सकता। एक चीज है जिसकी वजह से आप खुद को उनका नाम दे रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, बरेली में वो पैदा हुए हैं, बरेली शहर इंडिया में, और उनकी निस्बत से आप खुद को बरेलवी कह रहे हैं। जब आप उनकी निस्बत से खुद को बरेलवी कह रहे हैं, और उसके बाद आप उनको ये भी हक नहीं दे रहे कि भाई आप उनको अपना मोतबर माने, सॉरी मोतबर नहीं, आप उनको हुज्जत माने, मोतबर तो आपने कहा कि आप मोतबर हैं, हुज्जत नहीं माने। अब उस्मान भाई मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूं, मैं आपको कोई टांट नहीं मार रहा, कोई जुगत नहीं कर रहा, कोई आपको मैं मदारी पुणा नहीं कर रहा, मैं ये यकीनी तौर बता रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम जब कभी बात हो, बेशक मेरे से ही हो या किसी से भी हो, आप उसको ये कहना कि मेरे लिए मेरे इमाम हुज्जत है, अगर कोई आप तहरीर पेश करेंगे मुझे उसका जवाब न पता हुआ मैं अपने उलमा से पूछूंगा, और उसका जवाब मैं आपको गोश गुजार करूंगा। ये बेहतरीन जुमला है, समझाइए बिल्कुल आपको बात आपने क्या। मेरी वो कह लें कि आपने आसानी कर दी। मैं हाँ यही तब से तो कह रहा हूँ कि जो तहरीर आपने, जो मैंने पढ़ा, जो मुझे इलम उसके बारे में आपको मैंने कहा, मैं माना भी है और वो उनको मानता भी उस चीज़ से। लेकिन जो चीज़ मेरे इलम में नहीं, अच्छा, आप अब ये उलमा से जी, रजू कर सकते हैं। हाँ लेकिन जी, हाँ जी अब आप ठीक ये है, बताइए, और आप चलो लेकिन देखते हैं, आप देखते हैं किताबों में उसमें से, आपको हुज्जत। एक ट्यूटोरियल दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा आपको एक छोटा हाय सा मैं हाय कहता हूँ डेमो दिखाता हूँ, मुझे बताएं, सुने। अब ये बताएं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेली साहब आपके ये हुज्जत हैं या नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जितना मैं उनको पढ़ा है उनके बारे चले में फिर मुझे वही पता बात, है। और यार ऐसी बातें करके आप अपने ऊपर दाग लगवा रहे हैं, यकीन करें मैं मजाक, मतलब मिसाल के तौर पे उस्मान साहब मैं बरेलवी हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, मैं बरेलवी, और मैं सुन के कहूंगा यार ये कैसा बरेलवी है, उसको अपने ईमान पे यकीन नहीं है, यार ये भाई बरेलवी ऐसे होते हैं, यकीन है, मैं कितनी बार कहूँ यकीन है नहीं जेरी भाई यकीन, उन पे। यकीन। सुने उस्मान साहब, देखिए सुने, माजरत के साथ, माजरत उस्मान साहब, माजरत, देखिए मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, मेरा मकसद आपको नीचे गिराना या जेर करना नहीं है, कसम से यकीन करें, ईमानदारी से बता रहा हूँ, खुदा गवाह है, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरी सुने आप, अभी आपने ये बात कही है कि देखिए आपने मेरे लिए आसानी कर दी है, जब मैंने आपके लिए आसानी किया तो आसानी होने के बाद फिर आप मुश्किल में जा रहे हैं। आप ये कहें, देखें जवाब ये बनता है, मिसाल के तौर पर उस्मान साहब आप मुझसे पूछें,
मिसाल अब उसे पूछो, उस्मान साहब सवाल करें, मुझसे चले सवाल करें। तहरीर पेश करें, मैं हुज्जत मानता हूँ, करें जी तहरीर पेश, बात बात हाँ खत्म। ठीक जिंदाबाद है, उस्मान साहब, वेरी बात गुड, ये है कि आपने नारे तहरीर पेश करनी है, बात असल में ये उस्मान है, बात जिंदाबाद। ये है कि आपने तहरीर पेश करनी है, नहीं, मसला और कोई नहीं है, नहीं और यार जो मैं नहीं यार, तहरीर पेश करवाना चाह रहा हूँ उस पे आपने करनी है उस्मान साहब डंडी, आपसे बस बात ही हो रहे मतलब हैं। मसला हल हो गया जी, नहीं नहीं बात नहीं खत्म, नहीं बिल्कुल गलत बात, उस्मान साहब बात का देखिए मसला नहीं हल हो गया जी, आपका मसला हल हुआ हो गया, यार, हाल नहीं हुआ, हाल मसला नहीं हाल हुआ। देखिए सुने बात, हल नहीं, बात अवाम के लिए कोई मसला हल नहीं हुआ, अवाम वैसे की वैसी वो तो देख नहीं, रही है, नहीं यार वो तो अवाम देखिए वैसे ही आप सुन तो रही है, गलत, अवाम अवाम समझ रही है कि इमाम अहमद रजा खान साहब ने वो ऐसी हंसी है जी, अच्छा वो नहीं है, तो जो सुन्नी है जो मुसलमान है वो सारे काफर हो जाएंगे, जो है वो सारा इनका अकीदा इनका जो सतून है वो सारा वही है, ठीक है, और आप ये बावर करवाना चाह रहे हैं सबको कि जी ये कुरान और हदीस को नहीं मानते, ये इमाम अहमद रजा खान तभी ये बरेलवी हैं, मैंने ये इनके कब लिए कहा वो, यार ये चीज आप उस्मान बावर साहब, करवा, मैंने ये ये कर, चीजें बेमानी नहीं, है, ये गलत बनी है, ये वो गलत एक बात है मौलवी उस्मान साहब। है, एक उलमा है, आलिम है, नहीं एक उलमा शख्सियत नहीं है है, वो, जमा नहीं है वो, तो एक बंदा जिनको आलिम है ना। आप उसी जमाने में मिर्जा साहब भी हैं, उसी जमाने की तहरीरें, वो कौन उसी थे? जमाने के मामलात, मैं उन्हीं उन्हीं को जो सारी हिस्ट्री तारीख आपके सामने मैं पेश करना चाह रहा हूँ, उससे आप इनकारी हैं, उसको आप पेश नहीं करने दे रहे, मैंने ये अगर कब वही कहा चीजें कि आपको, उस्मान साहब देखें, अब ऐसे सुने, अब देखें, अब आपको एक छोटा सा एक और डेमो दिखाऊं, छोटा सा। अब आपने ना सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, आपके जो इमाम मैंने आल हजरत अहमद रजा खान बरेलवी साहब हैं वो आपके लिए हुज्जत हैं या नहीं है? बता दिया, मैंने कहा जी बात खत्म करें, तहरीर पेश करें, हुज्जत है जी, ये इतना लंबा जो आपके आखिर में कहा जी, तारीफ पेश आप, करें, हुज्जत हैं, वेरी गुड, मैंने कहा ठीक आप, आपने है। वो अब देखें छोड़नी नहीं ना डुगडुगी, आपने छोड़नी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप बांदर हैं, डुगडुगी मैं बजा रहा हूँ तो बांदर, आपने खुद को कहा कि मैं बांदर हूँ, डुगडुगी नहीं जो बांदर आपके मैं बैठे हुए सुन रहे हैं ना वो बंदर हैं, वो उनकी बात कर रहा हूँ, नहीं। उनके उनको आप आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए नहीं, वो वो उनको आप जाके जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस्लाम के मेरा ठीक बारे में आपने टाइटल लगाया है कि है जी, मुसलमान क्यों कहता है इनको बुरा, या मैंने मुसलमान एक आम मुसलमान क्यों जज्बात में आ जाता है, वो अच्छा टाइटल लगा हुआ है, उनको अच्छा उनको जगाना है, उनके लिए आपने ये डुगडुगी रखी हुई है, इसलिए जरी भाई आप माजरत, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, अच्छा लेकिन बात यह अच्छा है कि असल हकीकत यही है, आप कितनी की देर, कितने के साल इसी इसी में आप बजाते रहेंगे और ये सुनते रहेंगे, जो असल चीज़ जो असल हकायक हैं उनको नहीं लेके आएंगे, देखें एक मौलवी है ना जी, उसने कोई अकायद कोई भी मामला बयान किए, चाहे वो रशीद गंगोई हैं, चाहे वो इमाम साहब हैं, वो जो भी हैं, लेकिन अगर आप देखें कि जो चारों चीज़ें चली आ रही थी उनसे हटके, कुरान हदीस से हटके, जिसने भी अपने अकायद बदले, जिसने भी खुदा का दावा किया, जिसने आ, आ, जो है वो नबी होने का क्लेम किया, आप उसको जो है वो पसे पर्दा छोड़ के आवाम को इसी डुगडुगी में जो बरसगीर में चलती थी, इस्लाम दुश्मनी अंग्रेज थे वहाँ पे, उन्होंने जो मजहब के साथ खेला, जो लोगों ने मजहब के साथ खेला, कितनी की देर तक ये चलता रहेगा, आखिर आपको लौट के आना है, आखिर आपको लौट के आना है इन्हीं चीज़ों के पीछे जो हमें कुरान और हदीस से मिली हैं, उन्हीं से लौट के आना है तो मसले हल होने हैं, वैसे हल नहीं चले होने। चले उस्मान साहब, पता क्या करते हैं, इस तरह करते हैं कि हम दोनों कुरान पर बात करते हैं, हम किताबों की तरफ जाते नहीं है, जो खातमुल कुतुब है उस पर नहीं बात करते जी, हैं, जी आगे जो नहीं। आज टाइटल है ना उसके हवाले से करें ना, कुरान पे अगर आप बात करना चाहिए, ये नहीं आप डुगडुगी बजाएंगे, देखे जी कुरान से भाग गए, कौन कौन है जी जो कुरान से इसका तौबा मतलब ये नाउज़ुबिल्लाह है, नहीं नहीं भागता उस्मान है, साहब सुने सुने, देखें देखें मैं बताता हूँ, अर्ज करता हूँ अब आप मसलन, तीसरी सीढ़ी पे जंप लगाएंगे, नहीं, मैं तीसरी सीढ़ी पर जंप लगा ही नहीं रहा यार, मैं तो ये जितनी बातें आपसे कर रहा हूँ ना, यकीन करें ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको पता चल ही नहीं रहा कि सारी बात हो ही मौजू के हिसाब से रही है, नहीं भला जी कैसे? गलत मैं है, बताता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ कि कैसे हो रही है, आप कहेंगे यार वाकई हो रही है, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, मिसाल दे देता हूँ, नीचे लोगों को भी समझ आ जाएगा, लोगों को बल्कि समझ आई भी है, जो नहीं समझे जिनको अभी तक नहीं पता लगा उनको भी मैं समझा देता हूँ, या जो बाद में आएंगे उनको भी पता लग जाएगा, जिन प्रोग्राम के बाद जो लोग देखेंगे उसको, यानी बाद में जब ये अपलोड होगा यूट्यूब पे। अच्छा सुने, मैंने ये टाइटल लगाया था कि अहमदी मुसलमानों के साथ नफरत क्यों की जाती है, ठीक है जी, इसका जवाब है मुखालफिन अहमदी ये देते हैं कि अहमदियों की अकायद ही इस कदर के हैं, इस कदर अजीबो गरीब से हैं कि उनके साथ नफरत तो वैसे ही बनती है, यही बात है ना, आपने यही जवाब देना था उस्मान साहब, शुरू में आपने जो बात की है वो यही तो बात थी, अब इस बात को रिफ्रेश करके इस बात को मैंने आपको बताया तसल्ली के साथ है, कि जो आपके अकायदी नजरियात हैं, जो कुफर के फतवे आपने हम पर थोपे हुए हैं,
वही कुफर के फतवे एक मसलक ने दूसरे मसलक के ऊपर थोपे हुए और उससे ज्यादा शदीद किस्म के थोपे हुए हैं। तो ये अहमदियों से नफरत की जो ये एक है रस्म है, ये ही क्यों ज्यादा उजागर की गई है, ये उसका मेन चले इसका जवाब दे देता हूँ जी। इसलिए और इसका जवाब दे, इसका ही जवाब दिया पहले भी, अब मैं बताता हूँ। उस्मान साहब सुन तो लेने, जब मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई तो फिर आप इसका जवाब दे, सवाल तो पहले सुने। तो ये असल में अवाम को दिखाना है कि इनके अकायदे नजरियात ऐसे हैं और इसके ऊपर कुफर की हद मौजूद है, कुफर के फतवे मौजूद हैं, डाटे किस्म के कुफर के फतवे लगे हुए हैं और इनके कुफर के फतवे जमातियात के कुफर के फतवे से ज्यादा सख्त हैं, और इनके कुफर के फतवे सख्त होने की वजह से भी इनमें आपस में सरियन साफ बजाहिर है बजाहिर जमातियांदी के मुखालफत में प्यार मोहब्बत नजर आते हैं, लेकिन जमातियांदी के मुखालफत में सारे एक उतर नजर आते हैं। तो ये मुनाफिकत का दौर क्या है? तो इसमें जितने भी हमने शुरू दिन से लेके अभी तक गुफ्तगू शुरू वक्त से लेके अभी तक गुफ्तगू की है, उसका मेन मकसद ये था कि आपकी अकायद को बयान करके उसके ऊपर तबसरा करें और फिर बताएं कि नफरत वाला अकीदा किसका है। जी जरी भाई देखें, जो आप कह रहे हैं ना कि उलमा के आपस में कुफर के फतवे हैं शदीद हैं, देखें उनको डिफेंड करने के लिए उनका यानी कि उनको डिफेंड आमने सामने के लिए उलमा गुफ्तगू करते हैं एक दूसरे से, शख्सियात को एक दूसरे के सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि जी ये मकसद था, ये मामला था, ये मायने था, ये मतलब था, या इसका हरगिज़ ये मायने नहीं है। किसी ने कहा जी हमने ये अकीदा इस तरह हदीस से लिया, किसी ने कहा जी देखें जी कुरान पाक में ये चीज़ ऐसे मजकूर है, इस वो उस चीज़ को डिफेंड करते हैं। मैंने कहा रजू भी सामने आए हैं उलमा के, फिर उन्होंने जिन्होंने समझा उन्होंने उससे रजू करके, और कईयों ने जिन्होंने रखा इन अकायद को जो कि कुरान हदीस से नहीं मिलते थे, वो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो फिर कुफ्रिया ही अकीदा रखते हैं, लेकिन अपनी शख्सियात को सामने रखते हैं। अब आप पे कुफर का फतवा लगा मिर्ज़ा साहब की वजह से, नबूवत का क्लेम करने की वजह से, गुस्साखियाँ करने की वजह से, जिनको डिफेंड करने के लिए आज 130 साल हो गए हैं, आपका एक बंदा भी, एक स्ट्रीम भी, एक आपका शो भी नहीं है जिसमें आपने शायद ही मिर्ज़ा साहब की कोई कुतब पेश की हो तरतीब वार से, सीरतुल मैदी पेश की हो तरतीब वार से, सीरतुल मैदी का तो नहीं मैं कह सकता इतना, जो मिर्ज़ा साहब की शख्सियत को कोई तरतीब वार से पेश किया हो, उनकी किताबें पेश की हो, डिफेंड किया हो। उलमा तो फिर भी एक दूसरे को डिफेंड करके अपनी बात मनवा ही लेते हैं कि जी हमने ये चीज़ यहाँ से पाई, वो कहता जी ये हदीस जो है ना वो ज़ईफ़ है, देखे जी वो कहता जी नहीं जी फलां कहते हैं जी ये ठीक है, इतनी हद तक ठीक है, हसन के दर्जे तक जाती है, कोई कहता है जी इतने दर्जे तक जाती है, वो फिर भी शख्सियात को डिफेंड करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो अकायद, वो जो अल्लाह की जो यानी कि जैसे नबूवत का क्लेम है, खुद अल्लाह होने का क्लेम है, वो भी नहीं उन पर पाया जाता। फिर इस्लाम से उनमें ये भी नहीं पाया जाता कि इस्लाम से कम इल्मी है उनकी। मिर्ज़ा साहब की आप देख लें नबूवत के क्लेम से ले के देख लें, फिर उनके खुदाई दावे से लेके देख लें, फिर इस्लाम में कम इल्मी के देख लें, फिर उन्होंने तशरीही नबूवत जो आप पेश करना चाह रहे थे, एक डिबेट आपकी सुनी उसमें आप कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब ने कब कहा जी नबी पाक का आखिरी नहीं है, वो आखिरी हैं लेकिन तशरीही नबी जो है ना वो नहीं आ सकता, गैर तशरीही आखिरी नहीं है वो आ सकता है। मैंने कहा जी आपको कितने हवाले चाहिए उनके के तशरीही नबूवत साबित हो जाए उनकी, कि उन्होंने हुक्म लगाए हुए हैं चीज़ों पर, नमाज का जी स्वाब ही नहीं है जी, ना गुनाह ना स्वाब है ना गुनाह है जी, ना छोड़ने का ना पढ़ने का स्वाब है, ये किसमें जहाद है वो भी। अब क्या आप कहेंगे जी जहाद यानी वो मना किया जो दहशतगर्दी वाला है, आप उनकी तहरीरों में जाएं वो आपको श्री लफाजों में मिल जाएंगे, पता नहीं और कितनी मैं आपको हवाले दे सकता हूँ कि जो उन्होंने शरीयत में अमल दखल किया, फिर अमर और नहीं का हुक्म लगाया उन पर, फिर अहले बैत किस किस हस्ती को उन्होंने जो है वो पसे पर्दा करके अपनी शख्सियत को आगे मनवाने की कोशिश की जारी की, फिर मौजज़ा देखें अब फिर उन्होंने इस्लाम में जो मजाक इस्लाम का मजाक बनाने के लिए क्या क्या उन्होंने रंग नहीं खेला, मैं आपको उनकी सारी तहरीरों से ये चीज़ें साबित करके दे सकता हूँ। क्या आप में से कोई भी आज तक उनको डिफेंड कर सका? नहीं कर सका। मौलवी हजरात तो कुफर के फतवे के बावजूद एक दूसरे को डिफेंड कर भी लेते हैं, कर भी सकते हैं, और वो बताते भी हैं कि ये चीज़ हमें यहाँ से मिली है। आप बताएं कि जी कोई चीज़ अहदीस पे झूठ बोला मिर्ज़ा साहब ने इतनी देर और इतनी किताबों में, और जो अहदीस मिलती भी नहीं है सिरी ही झूठ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे है, जहान
ठिकाना जहन्नम का है, क्या कोई आज अच्छा तक उस्मान बता साहब, सका, आपके जी बता उस्मान सका साहब कोई? आपके जी जी उस्मान साहब आज करता हूँ। आप ये बताएं, आपने सही बुखारी जो हदीस की किताब है मुकम्मल पढ़ी है शुरू से आखिर तक? नहीं जी, मुकम्मल नहीं पढ़ी। अच्छा, ये बंदा सही बुखारी है शुरू से आखिर तक मुकम्मल एक किताब जो बुखारी की जो सही है में जिसको असल कुतबा किताबुल्लाह कहा जाता है वो किताब मुकम्मल नहीं पढ़ी और फतवा दाग दिया हजरत अकदस मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब का जरी हदीस भैया, आपने, पे। माजरा चाहता हूँ, बीच में बोल रहा हूँ, आपने सही बुखारी की तरफ ले हाँ गए जी, हाँ इससे जी, हाँ जी, पूछ मैं लें। एक बता मिनट दूँ। उस्मान भाई, आप पहले पूछ लें कि आपने क्या कुरान करीम को पूरा तर्जमे के साथ कभी पढ़ा है? मैं अर्ज करता हूँ अनिस भाई, मैं वो जो पढ़ा है एक जी, मैं बात बताता हूँ, हदीस वो भी जी पढ़ा है। मैं जी आपको वो हदीस के बारे में एक बताता हूँ, सुनो सुनो जो सुनो भी। सुनो एक मिनट सुनो 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 सुनो, आपने ये फरमाया है कि आपने सही बुखारी किताब जो है उसको भी मुकम्मल नहीं पढ़ा और दावा क्या किया है कि मिर्द साहब ने जो अहदीस बयान की वो तो मिलती नहीं है। जिस बंदे ने बुखारी ने मुकम्मल पढ़ी उसको अहदीस मिल ले रही है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे ये बता सकते हैं उस्मान साहब, मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ, कलमा क्या है? हाँ जी, ला इलाहा मैं कलमा बताता क्या है? हूँ, इस्लाम जी मेरी बात सुन ले, मैं बताता हूँ। हदीस के कलमा बारे में क्या है? जवाब ले ले, कलमा कलमा देखें, क्या है? हदीस के बारे में कलमा जवाब, कलमा आपका पहला कोई कलमा क्या भी है? मसला, पहला कलमा आपका मेरी क्या है? बात सुने, आप आपका मेरा पहला इम्तिहान कलमा ना लें अभी। नहीं, मैं बता, इम्तिहान नहीं जो दे रहा, इम्तिहान जो क्या है सवाल है उसमें ना, क्या उसका है? जवाब ले ले जरी भाई, सवाल ले ले, अच्छा सवाल का जवाब ले ले। हदीस के बारे में कोई भी मामला दरपेश आए, उसकी जो बेसिक है वो हम पढ़ते हैं। उसकी मिसाल के तौर पे एक मौजू पे 17 हदीस हैं, तो उसकी एक ना एक हदीस हमारी नजर से हमने पढ़ी होती है, बेसिक। ठीक है, चले, वेरी गुड, जबरदस्त, कितनी प्यारी बात तो बयान मैं फरमाई। अच्छा कहने का उस्मान साहब मतलब ये है, बताएं, कहने का ये मतलब मैं है कि समझ सारी हदीस आपके कहने तरतीब से तो नहीं, मैं पढ़ी, जी मैं जी मैं आलम नहीं समझ हूँ, गया, मैं मैं समझ आलम गया नहीं हूँ, जी हदीस जी का आलम जी नहीं मैं हूँ, अर्ज करता हूँ, मेरे लिए वाजिब मैं नहीं अर्ज है। करता हूँ, आपके लिए वाजिब नहीं हदीस पढ़ना, ठीक है, दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सुने, अच्छा मेरी नहीं बात भी नहीं सुने। ये नहीं मैं कह रहा, वाजिब में आपने अल्फाज मेरे मुंह में ना थोपे। मैंने कहा कि ये मैं कोई आलम नहीं हूँ, मैं आलम नहीं हूँ, दुनियादार बंदा अच्छा हूँ। तो मैंने कहा कि ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं सारी जो है ना, वो आप कह रहे हैं ना फतवा दे रहा हूँ, मैंने कहा ये वाजिब नहीं, मैं आपने फतवा फतवा ही दूँ, नहीं मैं दिया है, फतवा आप कह रहे हैं जो मिर्ज़ा साहब ने जो हदीसें पेश की वो हदीस में है नहीं, मिलती नहीं है। जब है आप नहीं है। हाँ वो ढूंढिया नहीं है, वो अच्छा ढूंढी वो नहीं ढूंढी है, है, उसके बारे में मैं कह सकता आपको हूँ। आपने बुखारी नहीं पूरी पढ़ी तो आपने कहां से ढूंढी है? अच्छा सुने, अच्छा सुने, चलो ठीक है ठीक है, ढूंढी है। चले उस्मान साहब मुझे ये बताएं कि पहला कलमा क्या है? उस्मान साहब को आता होगा यकीन ही बात आता हो। जारी बात है, मैंने कहा इम्तिहान ना ले, सबको आता है। नहीं आप नहीं ये इन जरा बता चीजों से देना जो मेरे सवाल प्यारे करना भाई, चाह रहे नहीं हैं वो सुन करें। रहा, और नहीं, यही सवाल है, और कलमा नहीं क्या था? नहीं मैं आपको बताता हूँ, जो ये आपके सारे ड्रामे जो सारे पता है हमें सबके, अब आगे क्या क्या सवाल होने, अब आगे क्या अच्छा जाना, क्या देखें पहले बताया, क्या सवाल होने आगे? यही सवाल होना है कि आपने, अब जी ये बताएं, अच्छा टॉपिक जो मौजू है उससे आपने जंप लगाना है। मैं नहीं, वही कह आप रहा कह हूँ रहे हैं कि कि मैंने कितने वाजिब ये जंप लग पूछना चुके है, हुए हैं, आपने कहा है कितने कि मैंने जंप ये लग चुके पूछना है, हुए तो हैं। क्या पूछना है मैंने? चले, मैंने एक चीज बताई है कि कलमा, जितने आप जितने मैंने कलमा, उनके आपको मेरे भाई कलमा आता है बारे में, यार, शर्मा क्यों रहे हैं? कलमा सुना दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मैंने यार सुना किसको दिया, नहीं आता, सुनाए किसको नहीं आता, मैं बता तो रहा हूँ किसको नहीं आता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद यार, रसूल अल्लाह, कितनी सी किसको बात नहीं थी यार, आता आप इसमें हमें शर्मा रहे थे। आप मुझे ये बता सकते हैं कि शर्मान। सुने, ये मुझे बता सकते हैं कि ये किस हदीस की किताब में कलमा मुकम्मल लिखा है? आपने तो हदीस पढ़ी है ना, आपने कहा जी मैंने सारी पढ़ी है, तो ये मुझे बता सकते हैं? जी शाबाश, जी मैं सर्च करके बता सकता हूँ, लेकिन मैंने चले खुद चले नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो, ये ले, इस बंदे ने कलमा हदीस नहीं पढ़ी पढ़ी, है, ये हदीस नहीं पढ़ी। यानी आपको नहीं पता कि ये किस हदीस में है ये कलमा लिखा हुआ? जिस बंदे को इस्लाम का बुनियादी रुकन कलमा, उसका नहीं पता ये कौन सी हदीस में लिखा है, और वो बंदा कह रहा है मेरे साहब ने हदीसें बयान की वो हमें मिली ही नहीं है, जिस बंदे को कलमा ही नहीं मिला। हेलो, ए हाल जी इस बंदे का। चलो जी मैं बता देता हूँ हदीसें, जो नहीं मिली बता तो रहा हूँ आपको, चले उस, आपको कलमा नहीं मिली। सुने सर, आपको कलमा, चले 14वीं सदी आप की हदीस सुने निकाले, और चले 14वीं सदी और वाली सुने हदीस में उस्मान आया, साहब, 14वीं सदी वो निकाल के उस्मान साहब दिखाएं। आपको कोई नदामत कोई शर्मिंदगी हो रही है कि कलमा तैयबा इस्लाम यार का रुकन है और आप कह रहे मुझे पता ही नहीं कहां पे है, मैंने कभी पढ़ी यार, नहीं है। ये अस्तगफुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि तो राजिऊन, मैं कुराने कैसे बारे में कुराने पता, पाक में भी पूरी तरह नहीं है। चले आप, मैं मैं कहां आपको कहूँ कह कुराने पाक से निकाल के दिखाएं, फिर आप निकाल के मैंने कहा दिखाएंगे? है कुरान पाक में मौजूद है ये, तो मैंने इसीलिए तो आप मैं मुझे कहें जी नहीं, वो हदीस, आप देखें हदीस ना में है कोई ना, ऐसा हदीस स्पेसिफिक मौजू है। देखे सुने, मैं अर्ज करता हूं, मैंने अगर मैंने कहा हो कि भाई कुरान में कलमा लिखा है और फिर मुझे कह दी साबित करो, फिर तो भाई मैं फंस गया ना, मैंने ये दावा किया तो मेरे मुझे साबित करना पड़ेगा, मैंने दावा ही नहीं किया तो मुझे क्यों कह रहे कुरान से दिखाओ? आपने कुरान से दिखाना ला इलाहा इल्लल्लाह एक आयत में, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी आयत में, अल जो कलमा निकला है काट लो। हैरत की बात है, इस्लाम का चले जी, बुनियादी ये रुकन मैंने सर्च कर कलमा ली है, है,
जी जरी भाई, मैंने सर्च कर लिया है हाँ और देखे ना, जो देश नाम मिले मौजूद है, ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है। अच्छा कुतुब किसी, अगर कोई ऐसी चीज़ ना मिले, आलिम उलमा से बंदा पूछ लेता ही है जी, ये मुझे बताएं। बहुत सी ऐसी बातें हम उलमा से पूछते हैं अच्छा जी, बहुत सी। अब अहदीस है, उनमें आपको सर्च करूं 2 मिनट में निकल आती है। मैं आपको कहते हैं मुझे एक यानी मिनट दें, मैं आपको आपने निकाल देता हूं। अभी सुने, आपने अभी ये सर्च किया कलमे का, जो इस्लाम का बुनियादी रुकन है, खुद को बरेलवी कहते हैं, पक्के पीटे मुसलमान और खत्मे नबूत के पक्की आशिक कहने वाले को पहले कलमे के नहीं पता कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने पढ़ी नहीं आज तक, खुद इस बंदे से मुंह से इकरार किया, मैंने पढ़ी नहीं आज तक, सुना सिर्फ। बिल्कुल, मैंने ये हदीस, मैं कब इनकार कर रहा हूँ, हदीस मैंने नहीं पढ़ी ये वाली, हैरत की बात है ठीक यार, है जी। इसको बंदा इन अल्लाह ना ले, कहे तो और इसमें क्या कहे, हैरत वाली जरी भाई, क्या बात है। आम जाहिर सी बात है, दुनियादार कलमा बंदा है, कलमे वो हदीस उसकी नजर से नहीं गुजरी, की तो बात इसका हो रही है, क्या मतलब इस्लाम है का जी? सारे इस्लाम का नहीं, बुनियादी इसका रुकन क्या में से मतलब है? इंसान। मैं बता दूं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि एक बंदा जा रहा है, उससे पूछे जी आप मुसलमान है? जी मैं मुसलमान हूँ। अच्छा आप मजहबी हैं या दुनियादार? जी मैं दुनियादार। आपने कुरान पढ़ा? नहीं कोई नहीं पढ़ा। खैर जी कोई गल नहीं, तुझे दुनियादार कोई गल नहीं, अच्छा, जान दो। खैर है, ये आम सी इस बात है। पे जरी भाई सवाल पे सवाल है। देखे आप, मैं फॉर एग्जांपल हदीस बता दूं, बाद में आप कहे जी नंबर बताएं। लो जी मुसलमान, देख लो जी, इसको नंबर का ही नहीं पता जी हदीस का। मैंने ये कब पढ़ाया है? ये जो और चीजें मुझे है ना, मैंने ये तो जो ये बात बातें देखी है हैं, उस्मान साहब, देखे मैंने ये पता क्यों बात ये की थी कहा जब नहीं, मैंने मतलब ये, यही सुन है, ले मैं मतलब यही अगर होता आप है। ये हदीस का यार नंबर बताएं। अच्छा जी, जिल्द नंबर अरे क्यों? अच्छा लो जी, मुसलमान कैसा है, इसको कलमा पहला है जी, उसकी जिल्द का ही नहीं पता, कौन सी जिल्द में है, कौन सी किताब में है। लो उस्मान जी साहब, मेरे ख्याल पाकिस्तान से, मेरे ख्याल टाइम को 12 बज गए होने शायद, हाँ 12 के 3 मिनट पाकिस्तान जो हो गए ना, तो मेरे ख्याल तुम जाके समझो नींद आ गई होगी काम ये जमीन पर। तो जर्मनी से है जरीफ ना है, ये पाकिस्तान से नहीं है। अच्छा उस्मान साहब जर्मनी से, वेरी गुड, यहीं से ही है तो खैर फिर तो कौन, खैर फिर तो जागते रहो, जागते रहो तो जगाते नहीं, इतने रहो। भी फ्री नहीं है, बस वो हवाले आपको दिखाने थे कि जो जो आप उलमा के नहीं पेश करना चाह देखना, रहे थे मैं ना, अर्ज ये कर रहा हूं वो आपसे नहीं कि आप उस, देख करने करने देंगे जरी भाई। ओ चले मैं नहीं, आपको जुबानी पढ़ के दिखाता हूँ। और सुने मुझे ये सुने सुने बताएं मेरी कि बात सुने, खुदा, एक मिनट सुने, मैं अर्ज करता हूँ ना, मेरी बात सुन ले उस्मान साहब, आप बात सुने, आप बात जब सुनेंगे ना आपको समझ आएगी, जब आप बात जवाब देने के लिए सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, वो चाहे आप हो या चाहे मैं हूं, अगर मैंने भी आपकी बात सुननी है जवाब देने के लिए तो मुझे समझ नहीं आनी। मैंने कहना नहीं पाई इसने गाल की थी, मैं जवाब दे करना जो मर्जी हो जाए। अब आपको खुद सोचना चाहिए, और आप ये कहना कि मैं एक दुनियादार बंदा हूं, मैं मजहबी बंदा नहीं हूं, और दुनियादार बंदा एतराज कर रहा है हजूर की कुतुब पर है, अगर मैं उसको हजूर की किताब खोल के दिखाऊं, ये किताब है हजूर की, इसकी उर्दू सिर्फ पढ़ के दिखाओ, और इससे वो उर्दू नहीं पढ़ी जाएगी। अभी अपने इमाम की, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेली की किताब से वो उर्दू जो पढ़ रहा था, देख के आपने खुद ही देख ली कितनी प्यारी उर्दू पढ़ी आपने, तो इसने कितने गलतियां की हैं, साफ अल्फाज लिखे हैं वो पढ़ने नहीं आए, और कहने को जी मुझे हदीसें नहीं मिली। मैं आपको ऐसी चलो बेशुमार यार, अहादीस निकाल दूं, के 14वीं सदी वाली हदीस, ये हदीस नंबर 128 है, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद चले रसूलुल्लाह क्या है, मजकूर है, चले ठीक कहता है। मैंने है, कौन सी गलती एक मिनट की है? सुने अपना सुने, ये एक मिनट, बताएं, इमाम अहमद अच्छा उस्मान रजा, साहब, उनकी वो देखे अच्छा जी, आपने क्या कह पढ़ने रहे हैं हदीस में के? कंटिन्यू कंटिन्यू पढ़ने में किसी की भी जो है वो जुबान लड़खड़ा सकती है। इसका चले ये मतलब सुने, नहीं है चले पढ़ना नहीं उस्मान साहब आता, मेरी बात सुने, पढ़ना नहीं चले आता, ठीक है आपको अटैक पढ़ना आता करने, है, अटैक चले आपको पढ़ना, करना जो अच्छा है उस्मान ना, साहब आपको पढ़ना आता है, जज्बाती बयान लेने कोई बात नहीं, आपको पढ़ना आता है, आप आलिम फाजल हैं जी, ठीक हो गया, आप आलिम फाजल, वेरी मैं गुड, नहीं आपको आलम पढ़ना आ फाजल। हाँ गया, यार आपने खुद ये भी कहा जी, पढ़ना आता है, चले ठीक है सुन लो, अच्छा वो मिर्जा साहब की तहरीर तो ले ले जरी भाई। मेरी बात सुने उस्मान साहब, बात पता क्या है, बात ये है मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे भाई, कि आपके जो इमाम है आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी जी साहब, जिनको आप हुज्जत मानते हैं तहरीर पढ़ने के बाद, ठीक है जी, ऐसी जी क्या जी आप मुझे उनकी किताब से कोई तहरीर दिखा सकते हैं कि बरेलवियों के अलावा जो दीगर फिरका जात हैं वो मुसलमान है? अगर इसके बरक्स मैं आपको दिखाऊं मुस्तनद किताब से जो कि बरेलवियों की है, उसमें ये बात मौजूद हो कि बरेलवियों के अलावा अहले सुन्नत व जमात के अलावा दीगर फिरका जात जो है वो सारे जहनमी है, फिर देखे, ये जो फिरके या ये जो मसलक देवबंदी अहले हदीस ये बने हैं, उस दौर में बने हैं, तो सारी बात है ये नए बने थे, नए बने थे, उनके अकायद में जो है वो कमी ज्यादती आई है, तो उसके बारे में ये वाजिया सामने आ गया कि यार ये नए नए जो हैं वो आए हैं, इन्होंने अच्छा ये अकायद देवबंदियों रखे को हैं, ये अकायद। यदि, अच्छा सुने उस्मान साहब सुने, आपके नजदीक देवबंदी मसलक जो है
ये मुसलमान है। हाँ मैं आपको बताया, देखे ना, उनके अकाबर ने खत्मे नबूवत के ऊपर तहरीर लिखी, हाँ मैं कहता हूँ कुफराना की तहरीर है, जो की जो भी तेरा आज देवबंदी, मैं कह रहा हूँ यार, मैं समझा वो कुफराना अकीदा है, ठीक है, यानी कोई आपके नहीं नजदीक के सकता। सुने आपके अब नजदीक देवबंदी, जो मॉडर्न जो देवबंदी, जिसने रजू नहीं किया, जिस का जिस आलम ने रजू नहीं किया उस तहरीर बिल्कुल से, उस बात से, बिल्कुल ठीक है, उसने उसने खत्मे नबूवत के पे डाका डाला, जी बिल्कुल काफर है, ठीक जबरदस्त है, समेत आपकी जमात मिर्ज़ा साहब ने जैसे डाका सबको डाला, साड़ी को तो तारी ही नहीं वो, लगा दी थी हाँ जी, हमारी को तैयारी नहीं हमारे पत्थर लगा दिया। यानी आपके नजदीक देवबंदी जो मौलाना कासिम नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह की भाई किताब तहजीब मैंने, उन्नास है, उनकी किताब का आज तक अगर कोई देवबंदी दिफा करता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है, खत्मे नबूत का मुनकर है और वो खत्मे नबूत पर डाका डाल रहे हैं, ऐसी है। नहीं आप फिर अपने अल्फाज मेरे मुंह में थोपते हैं। नहीं, मैंने नहीं थोपे यार, मैंने कहा मैं कि तो मैं वो यार मैं कोई कहना है वो पेंट की देखें गुजरानी है जी, मैं गोया दीवार थोप दिया। उलमा, सुने मैं यार कर, सुने मैं अर्ज नहीं कर रहा फिर हूँ, मैं सुन सुन रहा लें, हूँ और बात सुने मैं बहस कर ना रहा हूँ, बनाएं। मैं सुनता हूँ, सुन ले सुन ले सुन ले। अर्ज ये है आप ये बयान फरमा रहे हैं कि मौलाना कासिम नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है तहजीरुन नास, उस किताब में जो ये तहरीर लिखी हुई है कि अगर बाद जमाने जेबीएल नबी को नबी पैदा स्पीकर, हो जाए तो आप की खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा, जो जो देवबंदी इस तहरीर पर अपना ईमान रखता है और वो इसको हुज्जत मानता है और इसका वो दिफा करता है वो खत्मे दे नबूत दें का मुनकर है और उसने खत्मे नबूत पर डाका डाला है, ऐसे ही है। जी, बिल्कुल जारी भाई, जो जो भी नबी पाक का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी कैसे भी नबुवत को तस्लीम करता है, तो वो ये लगा लिए। अच्छा, वो जो है वो कुफरी अकीदा है जारी भाई, ठीक है, चलो ठीक, अब बात देखिए आप मेरी स्टेट मेरा देखें जी, मेरी बात सुन लेना, अपना आपकी बात अपना भी आप ना, मेरी बात पूरी सुन ले, अपना भी जो अल्फाज है ना मेरे मुंह में ना थोपे। मैं ये कह रहा हूँ, तो मैंने पहले कहा भी थोपा मैंने यार, कहा मैंने है कुछ मूंह देखने में थोपी कि जाना, मेरी बात जो सुन जी। मैंने इलम जो मैंने पढ़ा है मेरी नॉलेज के मुताबिक, वो अकीदा कुफराना अकीदा है, जो उस पे रजू नहीं करता वो काफर, और जो जो उस को मसलन दिफा भी करे, अगर मिसाल के तो अगर वो अपने नॉलेज के मुताबिक दिफा करता है, कोई नॉलेज के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक दिफा करता है, उसको लगता है कि ये तहरीर उनका मतलब ये नहीं था, वो करे, अपनी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से समझा, मैंने अपना बता दिया, अपनी राय बताई है, ठीक है, कोई भी खत्मे नबूवत के ऊपर डाका डाले वो हाँ काफर है। चलो ठीक है भाई, कितनी प्यारी बात आपने की है उस्मान साहब, आप मैं यकीन करें मैं आपको एक मैं ये मशवरा दूंगा कि आप साथ का चाय पिए या काफी का, मेरे ख्याल काफी पीने का मौसम है, काफी पिए। अच्छा सर उस्मान साहब आपने कितनी प्यारी बात की कि जो अकीदा खत्म है नबूवत पर डाका डाले वो कौन है, काफर है। वेरी गुड, जबरदस्त, छा गए यार आपको यकीन करें 135 यूरो जो है वो इनाम दिया जाएगा। अच्छा जी सुने, ये मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये किताब क्या है जी, एक मिनट, ये आपको नजर आ रही स्क्रीन, आ रही आ रही, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, कितनी प्यारी और जोशीली आवाज आई आपकी। किताब का नाम क्या है, फतावा रजविया, वेरी गुड जबरदस्त, नाम ना खाओ पियो नाम ना थोड़ी जान बनेगी। जेल नंबर कौन सी है जी, 28 28, जबरदस्त जिंदाबाद, ये किसकी किताब है जी, इमाम साहब की है, आगे बात इमाम साहब करें। अहमद रजा खान बरेली साहब की, वेरी गुड जनाब। सवाल नंबर जवाब सवाल नंबर दो क्या है, वो क्या है, लिखते हैं बल्कि नहीं आप पढ़े, आपकी उर्दू ज्यादा अच्छी है, आप कहते हैं मुझसे कोई गलती नहीं पढ़े, और वैसे भी बंदे से गलती पढ़ते हुए कोई इतनी इशू वाली बात नहीं, चले हाँ वैसे भी ये सॉफ्ट कॉपी में है, अगर तो ओरिजिनल चले, वो बाद में बंदा तहकीक कर लेता है, देख लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दजल देना तो। अच्छा, जो चले आप सवाल नंबर दो ये कॉल कि अगर नबूवत ख़त्म ना होती तो हजूर गौसे पाक रजी तला नबी होते, अगरचे ऊंचा अपने पढ़ने, ये बहुत मफहूम, सो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत स्लो बोला आपने, ऊंचा बोले नबी तो हजूर गौसे पाक रजी तला नबी होते, अगरचे होते, अपने यहीं पर होते मफहूम यहीं शर्ती पर पर होते सही यहीं और पर यहीं जायज पर, आप अल भाई इतलाक है। और अल्कुश पूरी तो पढ़ने दें, एक मैं आपको पूरी पढ़ाता हूँ, आपको टेंशन नहीं, आपको पूरी किताब पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये पहले उन्होंने बात बयान फरमाई आला हजरत ने ये कौल कि अगर नबूवत खत्म ना होती तो हजूर गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी होते, ये किस हदीस में बयान किया, आप तो हदीसें ढूंढते रहते हैं, आपने बड़ी हदीसें ढूंढी हैं, ये हदीस को ढूंढ के दिखाया जाए, नेट पर सर्च करें आपको मिलती है।
अगर नबी करीम सल्लम के बाद नबी होता कोई तो वो हजरत हजूर गौस पाक यानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी नबी होते। जरा सर्च करके बताएं, शायद मुझे मिले नहीं, आपको शायद मिल जाए, मुझे बताया जाए। देखे, मैंने पहले भी आपको बताया। अच्छा, ये इस चीज़, अब देखे, मैं साहब इस पे जो है ना वो ग्रिप नहीं है। मैं पूरी तहरीर नीचे भी पढ़ के फिर पूछ के, आप टाइम रख लें, मैं इसके इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप टाइम रख लें, इसके ऊपर अच्छा बात कर लेंगे दोबारा। जी, इसके ऊपर कल गुफ्तगू करें आप ये पूरी तहरीर तो पढ़ने दें ना, आगे भी ना। सफ़ा अच्छा, नीचे करें ना। इसके मैं करता हूँ सवाल जी, इसके ऊपर कल गुफ्तगू करें। मैं आपको टाइम बताऊंगा इस पे। अगर अच्छा, अगर ये तहरीर या ये जो मायनी है, ये जो मतलब है, ये इधर ना हुआ, फॉर एग्जांपल, और जी, मिर्ज़ा साहब के ने तो ख़त्मे नबूवत पे डाका डाला है, तो मैं तो उनको आपने काफ़र जानता हूँ। मैं आज करता हूँ। देखिए ठीक है, चले, ये बात जी, अच्छा कह रहे मैं हैं, सुने सुने, आपने पता क्या कहा, अगर ये तहरीर यहाँ पे ना हो, अगर ना हो, मेरे सामने खत्म बोर्ड पे डाका डाला, ये कुछ जुमला नहीं, बना है सुन तो यार। लेना। मैंने कहा मैं आला लान इन इनको भी ऐसे ही कहूंगा, क्योंकि ख़त्मे नबूवत पे डाका कोई भी डाले, जी वो जी इमाम अगर ये साहब तहरीर, हो, जी जी मैं अर्ज करता हूँ, सुन ले, वो मुझे समझ आ गया आपकी बात। इमाम आप कह साहब रहे हैं हो, वो जी, रशीद आप ये गंगोई कह रहे हो, वो हैं, कोई भी हो। हाँ आप ये कह रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि अगर ये तहरीर जो यहाँ पे लिखी हुई है, अगर जो मैंने कतई मेहनत ना की हो, मैंने कोई कांट छांट ना किया हो, बिल्कुल यही विनोवान तहरीर हो, और मैंने कोई अपनी तरफ से इजाफत ना की हो, तो आपके नजदीक आल हजरत भी काफर है। ठीक हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कोई ख़त्मे है, नबूवत हाँ पे डाका डाले, मैं ठीक है, इनको नहीं चले। पढ़ा था, और पढ़ा है, मैं तो कहा ख़त्मे नबूवत पे समेत अच्छा, मुझे समझ आ गया, वो समझ आ गया। चले, अब तारीख पूरी पढ़ मुसैलमा लो, पंजाब जो है ना, मुसैलमा पंजाब से लेके, उससे भी पहले से लेके ये जो भी देखना, है, वो सब काफ़र है। अब मुसलमान पंजाब में तो वो मेरे ख्याल आला हजरत भी आता है, मतलब खान बरेली, आप उसके ऊपर ना नजर वो थोपे, क्योंकि उसने भी उसके ऊपर भी ये इल्जाम है, तो नहीं, बताओ ना। मुसैलमा नहीं नहीं सुन मुसैलमा ले, पंजाब मैं अर्ज करता वो हूँ, आते सुन ले हैं सुन, मिर्ज़ा साहब। मैं सुन ले, अर्ज करता हूँ। अब आप अपनी ना मादरी जुबान पे आ रहे हैं आज तक, हजार की बात, जब बंदा फंस जाए अपने इमाम की बात, जब खिड़की नहीं, उखाड़ जाए मैं क्यों बर्तन, फंसना है? नहीं आपके इमाम ने कुफर का फतवा लगा दिया अपने ऊपर, आपने लगा दिया कि मेरे इमाम ने कुफर का फतवा किया, जाहिर सी बात है, आपने मान लिया है, तो और अब मैंने आपने कहा अगर फैसला कर, उन्होंने सुन भी ले, गलत लिखा, जरी अगर भाई मैं कह रहा लिखा हुआ हूं, है जनाब सामने, आप कह रहे हैं अगर लिखा हो तारीफ, मैं एक कैसे, बार फिर मैं, मैंने कहा आप टाइम रख लेना। आप जरी चल भाई सुने, ऐसे ना ना, आपने कहा देखे, है, सुने, एक मिनट में आपने ये कहा फैसला जी, ना करें। मैं करता हूँ, मैं सुन, आपने ये कहा जी नेट पर सारा कुछ मिल जाता, नेट पर सर्च करें भी तारीफ आपको मिल जाएगी, वो निकालें ये फतावे रिजविया जिल्द नंबर 28 है, सफा नंबर इसका 414 निकाल लें, अगर तहरीर वहां पर मौजूद ना हुई, आप जो भी सजा देंगे मैं वो कबूल करने को तैयार हूं, जो जुर्माना आयद करेंगे मैं वो जुर्माना भरने को तैयार हूं। अभी चले जाए आपके पास, तो आप यहीं पे हैं, आप जर्मनी में ही हैं, तो आपके पास नेट की स्पीड भी बड़ी तेज होगी, बड़ी बेहतरीन कड़ाके किस्म की, ना तो खाना नहीं खा रहे, थोड़ी अपनी स्पीड तेज हो जाएगी। बाकी ये दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, मुसलमा जो कजाब आपने कहा है पंजाब का है, वो तो आल हजरत भी पंजाब से है, और उसके अलावा दीगर जो उनके अकाबरीन है वो पंजाब से है, इसलिए दोबारा एहतियात से कीजिएगा बात, मगर ना आप उनके हमें कजाब कजाब कहते रहेंगे, ये एक बात होगी। दूसरी बात, अभी आप वो तहरीर निकालें, किताब निकालें फतावा रिजविया, और उसके ऊपर वो देखें, और मुझे बताएं कि आप कब गुफ्तगू करेंगे, मैंने ये आपको, मैं नंबर भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ये हेलो जी नंबर मैंने नीचे पट्टी में भी चल रहा है, मैंने ऊपर वाजे भी कर दिया, ये आपको जी, याद मेरे रखिए। पास ऑलरेडी है आपके नंबर, दो दो नंबर है चले हमारे पास, बहुत, चले ऐसी जबरदस्त, टेंशन नहीं मुझे है। हाँ अच्छा, तहरीर, मुझे तहरीर मेरी बात भेजिएगा। सुन ले। हाँ जी, अच्छा, मैं तहरीर निकाल लूँगा, निकाल के मैं आपने उस पर कहा पूरी उस दिन तहकीक पहले, आपने करके। सुने, आपने उस दिन पहले कहा था, उस दिन सॉरी, अभी थोड़ी पहले कहा है कि अच्छा, रिवायत मेरी के ऊपर, बात तो मैं पे एक, आपने कहा एक मिनट में रिवायत निकल जाती, तो अभी एक मिनट में किताब निकाले, आपके पास निकाल इमाम लिया की ना, किताब निकाल होगी। लिया है, मैंने कहा मेरे पास आ गई है जी, जिल्द 28 है, वेरी गुड, डाउनलोड हो रही है। जबरदस्त जबरदस्त, अब जिंदाबाद वेरी मैं, गुड। हाँ जी, अब मैं बात वही कह रहा हूँ, इस पे डिस्कस करके, मैं पूरी तरीके से डिस्कस करके आपके बात कर लूँगा। मैं कितनी कौन सा देर दौड़ रहा हूँ जी किसी भी यार, शख्सियत पे? मैंने कहा कि बड़े लोग दौड़ेंगे इस मुसलमा तहरीर कजाब से, से लेके लेकिन ना एक सुन ले, मुसलमा, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, मैं अर्ज करता हूँ, सुन ले, वही आप बार बार आप अहमद खान बरेली को कजाब कजाब कह रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, ये खत्मे नबूवत के मुनकर होने का फतवा जो आपके इमाम के गले में तोक की तरह लटका हुआ है, जो कि उनकी गर्दन को तोड़े हुए है, और ये कियामत की सुबह तक नहीं निकाल सकता कोई बंदा, और ये तो बात बहुत थोड़ी है, एक और मैंने प्रोग्राम किया था लाइव है, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेली साहब के ऊपर तो ये भी इल्जाम है कि वो खुद मुद्दई नबूवत है, ये भी इल्जाम है, और ये किसने लगाया, देवबंदियों ने लगाया है, इसलिए आप जरा मेहरबानी करके आप वो किताब जो भी आपने निकाली है आला हजरत की किताब, अभी आप डाउनलोड कर रहे हैं, वेरी गुड, उस किताब का सफा जो है वो नीचे दोस्त भी कर रहे हैं कि स्क्रीन पे शेयर कर दो, उस्मान भाई ये लोग कमेंट कर रहे हैं
कि उसको स्क्रीन जो है उसको शेयर करें और आवाम को दिखाएं। तब तक मैं मुनव्वर भाई की तरफ चलता हूँ, आप किताब डाउनलोड करके सामने देखे लगा जी, लें। वो अभी जो है वो नंबर नंबर है हमारे पास, व्हाट्सएप आपको करूँ, मेरे पास जो है वो डाउनलोड हो रही है, मेरे पे यकीन अभी नहीं, भी मैंने डाउनलोड आपको किया? कहा नहीं। अल्लाह दे बंदे इतना तेज नेट है, जब भी डाउनलोड हो रही है, इंज ना करो यार, वो तो बड़ी जल्दी एडी तो महंगी मोबाइल पे तार कर नहीं रहा हूँ, वो मोबाइल पे कर रहा हूँ, यार, वाईफाई की स्पीड तो उन्नी होती भावे मोबाइल तो भावे जिसे भी हो। अब मुझे नहीं पता, अच्छा फिर अभी डाउनलोड ही हो रही है। चले कोई बात नहीं, हो जाती है अभी डाउनलोड, कोई मसला नहीं है। चले आप डाउनलोड करें इतने तक, मैं मतलब भाई की तरफ चलता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। मतलब सलाम वालेकुम मेरी रहमतुल्लाह। बात सुन लेना, मैं अब जा रहा हूँ, मैं इस पे बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम इस पे बात करेंगे हम, देखें अच्छा अब कितनी देर में बात दो करेंगे? सुने दो सुने उस्मान साहब सुने, मतलब आप कितना टाइम मुझे दे रहे हैं कि मैं इस तहरीर के ऊपर कितनी देर बाद जवाब दूंगा वापस आके? मुझे तकरीबन अंदाजन टाइम बता दें, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद, अगली सदी, कयामत के दिन, कब आप टाइम देंगे? जी, मैं इंशाल्लाह मैं आज ही इसकी पूछ के उलमा से या अपने दोस्तों से पूछ के इस पे बात करके आपको 1-2 दिन में ही बता दूंगा जी, एक मैं दो दिन में? चलिए आपसे आप इस पे। 3 दिन अच्छा है दूसरी बात सुन तो लेना, जी। अगली तो सुन लेना, आप इमाम साहब के बात ख़त्म करके ख़त्म, मेरी इस तहकीक का मकसद क्या होगा जी, वो भी आगे बात करें ना। देखें उसकी जी तहकीक जरीब का भाई, मकसद ये होगा कि जो आपके नजदीक तो ये हाँ खत्म नहीं होगा, जी, तो मैं मुमकिन नहीं इमाम है। साहब की तहकीक कर ले, लेकिन मैं तो उनको कह रहा हूँ, मैं तभी तो कहा आप है कि दीदी नबी अर्ज पाक करो ना, मैं बताता हूँ, का मैं बताता सल्लल्लाहु हूँ अलैहि वसल्लम से लेकर। इसका मकसद मैं बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इसका मकसद ये है मेरे मोहतरम, आपने स्ट्रीम का मौजूद दोबारा गौर से सुनिएगा, फिर अपने जितनी गुफ्तगू अभी हुई है ना उसको दोबारा जहन नशीन कीजिएगा, आपको समझ आएगी कि इसका मकसद क्या है। अभी मौजूद क्या था प्रोग्राम का, वो ये था मेरे मोहतरम कि अहमदी मुसलमानों को, अहमदी मुसलमानों से नफरत क्यों की जाती है। इस जमन में मैंने जब आपके अकीदे निकाले हैं कि आपका भी अकीदा यही है जो हमारी तरफ थोपा जाता है, आप पीर अब्दुल कादिर जिलानी को जिली तौर पे मर्तबा नबूवत पर फाइज करते हैं, और अगर हम ये कहें कि मिर्ज़ा साहब जिली तौर पे मर्तबा नबूवत पर फाइज है, तो आप कहते हैं जी खत्मे नबूवत का मुनकर। अगर आपके अपने इमाम ये कहें तो वो खत्मे नबूवत का मुनकर नहीं है, ये खत्मे नबूवत आप क्योंकि कहते हैं, इसलिए फिर मैंने साथ मजाक के तौर पर ये बात कह रहा हूँ, मेरी बात का मायने कीजिएगा। तो आपके अपने इमाम भी अगर यही बात करें तो फिर नफरत आपके इमाम से क्यों नहीं हो? ये उसका असल मेन मकसद था, और मैं जो बिल्कुल, है मैंने मौजू से हटा हाँ नहीं जी, हूं, और आपने ये इसका अकीदे मतलब रहनुमा है कि बात अगर बयान की इमाम है, ने भी, इसका मतलब अगर है कि नफरत के काबिल आप समझ गए ना, फिर नफरत के काबिल हैं कि नहीं, अगर इसको इमाम ने मैं भी, मौलवी ने भी, किसी ने बात की है वो फिर नफरत के काबिल नहीं, ये तो है। हम आपको बता रहे हैं, देख मैं अर्ज करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो आपने बात बयान की ना कि अगर मेरे इमाम ने भी जो बात की तो नफरत के काबिल है, तो इसका मतलब है कि आप भी नफरत के काबिल है ना, तभी तो आप ये निकाल रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ उसका नहीं ना जवाब, है वो, ऐसी बात होगी नहीं ना, इसलिए ये तो किताब में लिखी हुई है, ये किताब में मैंने तो अपनी तरफ से तो नहीं चले वो लिखी है। बात करेंगे, पता चल अच्छा जाएगा डाउनलोड वहां होगी, को। डाउनलोड होगी है ये अभी तक नहीं हुई? मेरे ख्याल जब आप नहीं कॉल से डाउनलोड निकल हो जाएंगे गई ना। है, डाउनलोड हो गई है अच्छा जी। वैसे चेक करने भी, मतलब कॉल के दौरान चेक करें कि तहरीर ये बीच में है या नहीं है, बाकी इसकी तफसीर तशरीह बाद में पूछ लीजिएगा। वैसे चेक करें, ये तहरीर तो है ना जो मैंने पेश की आपको, सफा नंबर क्या था इसका? 414। 412, 412 पे है तमहीद खासुल इतकाद, आगे 434, ये क्योंकि मैं उसका कंटेंट पढ़ रहा हूँ। कंटेंट पढ़ रहे हैं या इंडेक्स पढ़ रहे हैं? इंडेक्स भी है और साथ कंटेंट्स भी लिखे हुए हैं। अच्छा जी, 400 है इसका कुछ है। गरीबी बंदे को अगर अपने घर के बारे में कुछ पता ना हो और हमसायों के घर जाके रोला डालना शुरू कर दे, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बारे में मेरा यही बात ख्याल है, यही है कि बात भाई इसका यही है कि और 1 मिनट उस्मान साहब, वो मेरे ख्याल मुनव्वर साहब ने मुझसे नहीं पूछा, मेरे ख्याल जरीला मेरा नाम है इसलिए ना, मुनव्वर पे मेरा नाम ही नहीं जरीला। जी अच्छा जी जी जहरी जी कहा था हाँ, उन्होंने, ठीक है। ओ मेरा नाम सी जो उन्होंने मैनू आख्या, ये तो वही बात है। मैं पहले भी ये बात बयान करता हूँ कि बरेलवी सबसे ज्यादा रोला डालते हैं इस बात पे कि कादियानी काफर ने, सबसे ज्यादा रोला डालते हैं वो, सिर्फ इसलिए कि इनके अकायदो नजरियात इस कदर गलीज हैं, इस कदर मकरू हैं, इस कदर इनके कुतुब में मुगल्लजात लिखी हुई है कि ये उनका दिफा नहीं कर सकते। जब ये उनका दिफा नहीं कर सकते तो ये एंटी अहमदी बन के जमाती अहमदी के ऊपर एतराजात करते हैं ताकि लोग इनके ऊपर कीचड़ ना उछालें, लोग इनके ऊपर इनके अकायद पर बात ना करें, और वो यही कहें कि देखे जी हम तो खत्मे नबूवत के दिफा पे काम कर रहे हैं, हम तो भाई कादियानियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप हमें क्यों पूछ रहे हो? इसलिए ये लोगों को धोखा देने के लिए ये काम करते हैं। ये खातम सैरिदवी क्यों खत्मे नबूवत का नाम लेके उसका इन्होंने धरना दिया,
सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता था कि जो हमारे अकीदे मेरे इमाम ने लिख दिए हैं, अगर मैं उन्हीं की वो जनाब वो उसकी वो इशात करूंगा, उन्हीं की मैं तबलीग इशात करूंगा, तो भाई मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहना। मैंने किसी नहीं कहना हाफिज अल्लामा मौलाना खातम रिदवी, किसी भी नहीं कहना। मैंने खत्म नबूत का सहारा लेना है, खत्म नबूत के ऊपर मैंने अपनी रोटियां चलानी है, फिर ये काम बनना है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि अपने घर की खबर ना हो, दूसरे घर में जाकर रोला डाले। और अपने घर में एक और सवाल है मेरा, उसका भी जवाब दे दीजिएगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। तो अगर कोई इंसान अपने आप को कुत्ता कहे तो वो क्या इमाम कहलाने के भी काबिल होगा? यार वो उसने खुद अपने लिए लकब इस्तेमाल करने का, मैं कुत्ता हूँ, आप कुत्ता और इमाम अस्तक। यार वो तो मिर्जा साहब भी जाए नफरत कहते हैं खुद को। अच्छा सुने उस्मान साहब, एक बात जो है ये बताएं। अच्छा मनोहर भाई, आपको बात कर रहे थे, पूरी करें बात। आपने हवाला देख लिया? मैंने ये कहा कि वो कुत्ता नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हदाई के बख्शिश में ये है, बिल्कुल है। यार ये निस्बत बहुत अच्छी निस्बत है आप तो। अच्छा, वो ही बात है ना, यानी कुत्तों ने सगे नहीं कुत्ता। मेरी बात सुने यार आप, वही तो बात है ना, इज्जत बात जिल्लत को किस मायनों में पहनाते हैं ये दजल जो अवाम के सामने कब तक आप रखे। मेरी बात सुने, यानी कुत्ते की भी कुतरी है। तो यही यार वफादार है। ठीक है जी, वफादार है इसलिए ये कुत्ता है। यानी उस्मान साहब आपने हम खत्मे नबूवत के डाके डालने वाले को हर एक को कजाब दजाल मानते हैं। मैंने कहा है कि अगर कोई भी हो, मैं तो इतना बड़ा आपको बता यार, इधर 417 निकली है, 416 रजविया जिल्द 28 है। अजय भाई एक मिनट, ये फतावा रजविया जिल्द 28 है, सफा 400 कितना बताया था? 414। अब आपने एडिशन पता नहीं कौन सा निकाला, 414। अच्छा तीसरा ये के जंबील अरवाह की इजराइल अलैहिस्सलाम से पीरा ने पीने नाजर गुस्सा में होकर छीन ली थी, यही है ना जी। चौथे ये के हजरत आयशा रजी ताला अन्हा हजरत गौसल आजम रजी ज्यादा मरतबा रखते हैं। हाँ जी, ओ यार हम कोई ये थोड़ी है कि किसी को किसी की शख्सियत को डिफेंड नहीं कर सकते या बात नहीं कर सकते। ये आपको ही कबूल है ये चीज़ें कि जो आप जो है वो किसी पे अभी एक घंटे से ऊपर होने लगा है। मजाल है कि आपने मिर्जा साहब का एक हवाला भी लिया हो। वफादारी की बात हो रही थी उस्मान साहब, वफादारी की बात हो रही थी। वफादारी में आप कह रहे हैं कि आज हजरत वफादार इतने थे कि वो कुत्ते बन गए। वेरी गुड, ये आप कहना चाह रहे हैं। यानी कुत्ता वफादार होता है इसलिए आपने हजरत को ये क्या, जैसे शेर बहादुर होता है ना, शेर कहने से शेर नहीं हो जाता ओरिजिनल। ठीक है, वेरी गुड। तो वफादारी सुने, ये मिसाल पता किसने दी है? मिसाल के तौर पे मैं इंतहाई मादरत के साथ जुमला कह रहा हूँ। अगर आपके वालिद साहब आपकी वालदा मोहतरमा से अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला अगर वो हयात है तो लंबी उम्र दे। मुझे पहले ये बताएं कि हयात है, मैं आपके बात करूं नहीं अगर वो हयात नहीं है तो। नहीं आप करें बात है। मैं मिसाल देता हूं कि अगर आपके वालिद साहब ने कमाल वफा की है अपनी आपकी वालदा मोहतरमा से, आपकी वालदा माजिदा से कमाल वफा की है, मोहब्बत की लाजवाल मिसाल कायम की है, कमाल मिसाल की है, तो आप अपने वालिद साहब को ये मिसाल दे सकते हैं कि वालिद साहब अब्बा अब्बा जी तुसी ते कुत्ते लगे हो, तुसी कितनी वफादारी की है। अगर आपके वालिद साहब बहादुर हैं तो आप ये कहने में बिल्कुल हिचक जाएंगे नहीं, अब मेरा आपा शेर है, मेरा आपा शेर लगा है। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे ये रिश्ते और हाँ जी बताने लगा हूँ। अब जैसे हम कहते हैं ना, मेरी सुन तो ले मसलन अगर आपके वालिद साहब बहादुरी काम करेंगे, कहेंगे यार मेरा आपा तो शेर है, यकीन करो मेरा आपा तो शेर है। लेकिन अगर आपके वालिद साहब वफादारी करेंगे किसी भी मामले में, दोस्ती में, तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरा आपा कुत्ता है। एंटी कमाल की वफादारी, वेरी गुड भाई, सारे मेरे पर कुत्ता को कोई बंदा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आप ये बात अपने ईमान के लिए कबूल कर रहे हैं, हैरत की बात है यार। मुझे तो कर ली बात आपने बहुत सी देखी होंगी रिवायात में भी आपने देखा होगा, ये जो नीचे गिरना होता है ना अपना, मसलन हम किसी को कहना यार मैं तो उनके पाँव की खाक भी नहीं हूँ, ये मुहावरा सुना हुआ है आपने? बिल्कुल मैंने सुना है ना, तो हमेशा
जो अपने आप को गिराना वो एक ऐसी शख्सियत के ऊपर गिराना होता है, मतलब अब नबी पाक हैं और सुन लें जो आप ये बातें बयान कर रहे हैं ये सुनी मैंने, ये आपके अलियास कादरी साहब से सुनी तो मैंने, फिर सुनी आपने ये शेर वाली बात की मैंने सुनी, मैं नहीं सुनी किसी से, मैं तो किसी से नहीं सुनी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो अभी तक नहीं किसी से सुनी। ठीक है आप आज दी और इनकसारी में सबसे बड़ी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की किस में पाई जाती है ये मुझे बता दे। मतलब आप शख्सियत पूछना चाह रहे हैं कि किस शख्सियत में पाई जाती है? किस शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद और उनकी हयात जिंदगी में हयात तैयबा में मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा आशिक साबिक कौन रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब और किसने आजजी और इनकसारी दिखाई है। देखिए ये तो वो मुकाबलेबाजी आ गई है ना, नहीं, मुकाबलेबाजी नहीं है, ये मैं बता आपके इमाम से, आपके इमाम से जुबानी बता देता हूँ, आपके इमाम की मैं जुबानी बताता बता हूँ दूँ ना। किसी, जी बता दें, चले बता। चले आप उनके बताते हैं, क्योंकि मैं वो मुकाबलेबाजी में अगर चले जाए तो मुकाबलेबाजी देखा जाए देखे ना, ना, मैं तो हजरत अबू मुकाबले बकर सुने। हाँ सिद्दीक जो है ना वो आपसे बहुत ज्यादा करीब रहे हैं। ठीक है हाँ आजी और आज इन इनकसारी में इनकसारी भी, में, ठीक है इनकसारी आज उम्मत इनकसारी में इनकसारी उनके साथ आजजी इनकसारी वो में सबसे ज्यादा उम्मत में वो बड़े हुए थे बाद हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही है जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। मुझे ये बताएं कि क्या आजजी और इनकसारी के बाद ऐसी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, देखे वही दिखाएं। बात है कि उन्होंने 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 इस्तेमाल किए नहीं किए, मैं शायद मेरे जेन में एक रवायत गुजर रही है अभी वो हाँ याद नहीं, या फिर मैं मुझे सर्च करनी पड़ेगी उसके बारे में, आज जिन इनके सारे के बारे में, कि जो अपने आप को जैसे बहुत से वाक्यात नबी पाक का के साथ आजिज़ी और इनके सारे में सहाबा आजिज ने क्या क्या और अमाल किए। इंकसार अब आगे होना चलते एक हैं, अलग आगे बात चलते है। हैं, अच्छा आप सरी अल्फाज सुनना चाह रहे हैं कि ये अल्फाज हों, ये अल्फाज वहाँ पे हैं वो होने चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो आने वाले जो अब इतना दौर है, कितने 1400 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो कोई ख्वाहिश का इजहार करता है कि जी काश मैं उनके पाँव की धूल ही होता, उनके पाँव ये मैं आप धूल साहबों होता का, वो एक लगते। क्वेश्चन है, देखें पांव की धूल होना एक अलग चीज है, अपने आप को जानवर और कमतर जानवर से कुत्ते से ओहो तशबीह देना अलग बात है। मेरे भाई मोहतरम शेर बेटे भी तो जानवर है, शेर भी तो जानवर है, वो सर शेर की शराहत जानवर है, जान शेर कुत्ता भी चले जानवर है, मैं और बताऊं, भी चले बहुत से हशरात हैं सुने वो जानवर ही हैं, यार, मेरे शेर भाई भी मेरे जानवर सुने, है। मैं करता हूँ, और यार आप अपने अब्बे को कहते हैं मेरा अब्बा शेर है, ये कह सकते हैं मेरा अब्बा कुत्ता है, अल्लाह के बंदे को भाई बंदे मैं मेरी वही बात बता रहा करे। हूं कि अगर सुने अगर वालदा सुने के सुने साथ उनका करेंगे तो वो नहीं बनेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अगर ऐसी शख्सियत जिन फॉर जैसे नबी पाक का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, उनके बारे में अगर कोई जैसे मैं मिसाल दी है मिट्टी की धूल होना, या उनके गुलामों का गुलाम होना, या कह गुलामों का गुलाम होना, ले मिट्टी की के, धूल होना, ये सुन अलग तो बातें लेना, हैं, और ये उनके सुनी बातें हैं, उनके ये बातें मतलब सुनी जिन सुने। जिस अच्छा जिस उस्मान साहब सवारी पे मुझे आप ये बैठे हैं बताएं, उसके पहियों की धूल भी हो जाना वो ये बात बाइसे सुनिए, सादत है, मैं अर्ज सुन करता ले। हूँ, मैं अब अर्ज आप करता हूँ, मैं कहें सुन तौबा रहा नऊज बिल्ला, हूँ। ये मिट्टी मट, अब कुत्ता है, अब मिट्टी में जो है ना वो ज्यादा बैक्टीरिया ज्यादा गंदगी हो सकती है जी, अच्छा उस पे नहीं सुने उस्मान आपको साहब, आएगी कि जी मिट्टी की अच्छा धूल सुने, कहा है इसने, जी मिट्टी की आपने धूल कहा कहा है, है, ये आपने तो ये कहा कीड़ा है, है, ये गडोया है, नहीं आप आपने बताएं मैं मिट्टी में गडोया, फिर आप गडोया कहेंगे? तो नींद आ गई उस्मान साहब, बात ये है आप कह रहे हैं कि शेर भी जानवर है और कुत्ता भी जानवर है, यही आपने बात बयान फरमाई है, आप खुद को ये कह सकते हैं भाई मैं शेर हूं, क्या खुद को ये भी कह सकते हैं ओ मैं कुत्ता दे, कभी कहा है खुद को, कभी हाँ अपने कह सकता खुद हूँ उनके उनकी कहें। जात के लिए कह सकता हूँ, मैं कहा तो है उनकी जात के लिए कह सकता हूँ, जिससे मैं आजजी उनके सारी की जो है वो गुजारिश कर रहा हूँ उनके साथ कह सकता हूँ। जिस बंदे ने इमाम यार ने अपने मोहल्ले आपको को इन चीजों कुत्ता से कह दिया, क्या, और मैं बताता हूँ मिर्जा साहब ने जो मिर्जा सुने गुस्ताखाना, सुने 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 और मिर्जा साहब ने, अच्छा मैंने ये कहा आपके इमाम ने देखा, आपके इमाम ने कहा कि मैं कुत्ता हूं, मिर्जा साहब ने जो गुस्ताखाना गाले, आपके इमाम की बात हो रही सुन है, तो लेना मैं क्या आपके कहना इमाम चाह रहा हूँ जारी भाई, आप आपके म्यूट सुने करते हैं ना, और सुने म्यूट इसलिए देखे करता हूँ मैं अपनी बात को मैं दोबारा इसलिए कैसे कहना सुने। चाह रहा हूँ कि आपको इस अकीदत का या इनके मायने का या इस आजजी इनकसारी का इलम क्या हो सकता है कि जिन आपने जिनका लिटरेचर पढ़ा हुआ है ना, वो तमाम अंबिया से अपने आप को ऊपर, तमाम अहले बैत से अपने आप को ऊपर,
ईसा अलैहि सलाम की वो तोहीन करते हैं। अच्छा बात यह है कि आपके इमाम ने लिखा है कि आपके इमाम जो है वो कुत्ते हैं और कुत्तों के कुत्ते हैं, ये बात। और इसका जवाब क्या है? आपके इमाम ने अपनी किताबों में ये लिखा है, आपके इमाम ने अपनी किताबों में, जवाब देगा दसो। हैरत की बात है यार, मुझे हैरानगी हो रही है। कुत्ते को जवाब दिया है, जवाब दिया है। देखे मिट्टी की धूल है वो कुत्ते, देखे ना उसमें भी बैक्टीरिया जरा से गिडोया। जी वालेकुम सलाम जी उस्मान अली साहब, आप कह रहे थे उसकी जात पे या अपनी जात पे, ये कह सकता हूँ। असल में बात देखें, चलें चलें, अभी अभी आप ये कह रहे थे ठीक है, मैं आपको अभी हवाले वो हदीस की दिखाना चाह रहा था। हदीस में आया है कि हदीस में दो हदीस हैं, तीन जगह हैं, एक बुखारी की सही, मुस्लिम में भी यही तकरीबन वही हदीस मिलेगी। वो यही लिखा होता है कि अगर आपके पास कुत्ता है तो आपका आपके अमाल में हर रोज एक किरात कमी कमी की जाएगी, ठीक है, सिवाय इसके कि आपने वो कुत्ता अपनी जरूरत के लिए रखा है, मिसाल के तौर पर रखवाली के लिए या खेत पे के काम करने के लिए, ठीक है। और एक दूसरी एक हदीस है, ये जो पहली मैंने हदीस बताई है, ये आपको सही बुखारी और सही मुस्लिम में से भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपको हवाले भी दे सकता हूँ। और एक दूसरी हदीस है सुनन इब्ने माजा की है, जिसमें ये लिखा है कि फरिश्ते उन घर में भी नहीं जाते जहाँ एक कुत्ता हो, ठीक है। ये हैसियत है, ये हैसियत है, ये बताया गया है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि वो एक जानवर है, वो भी शेर भी एक जानवर है, कुत्ता भी एक जानवर है। नहीं, इधर देखें हदीस में ये फरमाया गया है कि एक कुत्ते की क्या वैल्यू है। तो आप वो अपनी जात पर ये फिट कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं, दूसरों को भी कह रहे हैं कि हम उनके सबसे आला कुत्ते हैं। तो ऐसे ये बात हो रही थी, ठीक है। अगर आप अपने आप को ये समझते हैं, ठीक है, कोई और कोई मौका नहीं था, कोई और कोई अल्फाज नहीं थे अपने आप को इतना नीचे दिखाने के लिए, यही लफ्ज मिले थे, यही मैंने कहना था। जजाकुल्लाह।